सो आज सबसे पहले हम फंक्शंस देखेंगे, देन एरो वर्सेस नॉर्मल फंक्शन, और फंक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जावास्क्रिप्ट में, और ये इफी क्या होता है. देन वी विल अंडरस्टैंड दी हाउ होस्टिंग वर्क्स इन जावास्क्रिप्ट, और देन क्लोजर्स, एंड एट द एंड वी विल सी कि करीम क्या होती है जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली अभी क्या, लाइक 2023 में हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं हम चीजों को कैसे लिखते हैं, रेदर देन हम क्या लिख रहे हैं. आजकल इतने पावरफुल सिस्टम्स हैं कि मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं. आजकल सब कोड को रीडेबल बनाना चाहते हैं कि कोड मैं एक बार देखूं और पूरा कोड मैं एक बार में समझ जाऊं. ठीक है, ऐसे समझ लो कि जैसे एक पोएट कोई पोएम लिख रहा है, तो एज अ कोडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोड ऐसा लिखें सो दैट जो सेकंड पर्सन है, जो हमारा कलीग है या जो भी डेवलपर हमारे बाद इस कोड को पढ़ेगा वो इजीली समझ जाए. तो फंक्शंस एक बहुत ही यूजफुल, यूजफुल मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम रियूजेबल कोड लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसका एक रियल वर्ल्ड से हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं. जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक दिवाली, होली. अब हर फेस्टिवल का एक पर्पज होता है, हम दो फेस्टिवल्स को आपस में मिक्स नहीं कर सकते. अगर तुम मिक्स करोगे भी तो कोई ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें जेल हो जाएगी या कोई तुम्हें कुछ सजा दे देगा, बट ना तो वो देखने में अच्छा लगेगा ना तो सुनने में अच्छा लगेगा. इसी तरह से फंक्शंस का भी काम होता है कि वो बस एक टाइम पे एक ही काम करें. अगर हम सारा काम सार मतलब सारा कोड एक ही फंक्शन में लिख देंगे तो वो गलत है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है. ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले, मुझे नहीं पता फंक्शंस क्या होते हैं, तो मैं सिंपली कुछ ऐसा कोड लिखूंगा. मैं दो वेरिएबल्स बनाऊंगा और सिंपली मैं एक थर्ड वेरिएबल बनाऊंगा रिजल्ट, और मैं सिंपली इन दो नंबरों को ऐड कर दूंगा. ठीक है, ऐसे ही जब हम सीखते हैं तो हम प्रोग्राम लिखते हैं. बट अब इस कोड के साथ प्रॉब्लम क्या है, कल को मुझे डिफरेंट नंबर्स को ऐड करना होगा. फॉर एग्जांपल, मेरे पास अनदर सेट ऑफ नंबर्स है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कोड को डुप्लीकेट कर रहे हैं. और कौन से कोड को डुप्लीकेट कर रहे हैं, जो ये वाला कोड है, ये हम सेम ऑपरेशन को दो बार परफॉर्म कर रहे हैं. ये भी एक गलत चीज है. जब भी हम कोई कोड लिखें हमें सिंपली एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, और वो प्रिंसिपल है ड्राई का, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ. अगर हम कोई भी एक काम को दो बार कर रहे हैं तो वो इस प्रिंसिपल को ब्रेक करता है. हमें कभी भी सेम कोड को दो बार नहीं लिखना. अगर हम दो बार लिख रहे हैं तो ट्राई टू क्रिएट अ फंक्शन. फंक्शन का काम ही यही है, चीजों को रीयूजेबल बनाना. ठीक है, अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट में हम कैसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करने का सिंपल सिंटेक्स है, स्मॉल लेटर्स में आप फंक्शन लिख दो और उसके बाद फंक्शन का नाम, देन मून ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स, और इस फंक्शन के अंदर जो भी तुम अपना कोड करना चाहो. फॉर एग्जाम्पल, मैं इस लाइन को अंदर लिखना चाहता हूँ. अभी ये जो एड फंक्शन है, इसका काम है दो नंबर्स को एड करना, दैट्स इट. बट ये अभी इसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस एड फंक्शन में पास करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 8,9, 10,20, तो अभी ये फंक्शन सिर्फ नंबर्स को ऐड कर रहा है, ये कुछ रिजल्ट आउटपुट नहीं कर रहा है. ठीक है, इसको एक बार हम कंसोल करके चेक करते हैं. ठीक है, अभी मुझे कंसोल में कुछ तो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मेरा एड फंक्शन है ना, तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है और ना तो कुछ कंसोल कर रहे हैं. एक फंक्शन हम तभी यूजेबल बना सकते हैं जब वो कुछ हमको रिटर्न करके दे, या तो वो कोई टास्क परफॉर्म करे. अब जो टास्क परफॉर्म करेगा, जरूरी नहीं कि वो हमें स्क्रीन पे दिखाना ही दिखाना है. फॉर एग्जाम्पल, ये कोई यूआई एलिमेंट अपडेट कर रहा हो या कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट लगा रहा हो, तो उस केस में कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. और यहीं पे जावास्क्रिप्ट फंक्शन की एक स्पेशल चीज है कि अगर हम किसी फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न होता है. अगर मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग,
और सिंपली मैं इस एड फंक्शन का जो भी रिजल्ट है उसे कंसोल करता हूँ। अभी मैं एड फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखोगे मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हमें अनडिफाइंड देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं सिंपली यहां से जो भी ये रिजल्ट है इसको रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने फंक्शन से रिटर्न किया वो मुझे देखने को यहाँ पे मिल जा रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक No. है, तो ठीक है। और जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी हम ये जब फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, जो भी वैल्यूज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूजर हमें सेंड करेगा, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नम वन और नम टू। तो ये जो नम वन और नम टू है ये पैरामीटर्स होते हैं, इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं लाइन नंबर 7 में, और जो वैल्यूज हम फंक्शन में पास करते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो टाइप के फंक्शन हैं, एक नॉर्मल फंक्शन और एक एरो फंक्शन। जो एरो फंक्शन का सिंटेक्स है वो थोड़ा शॉर्टर है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। एरो फंक्शन बनाने के लिए सिंपली हमको कोई फंक्शन का नाम नहीं लिखना पड़ता, सिंपली मून ब्रैकेट्स और एक एरो और देन कर्ली ब्रेस। ये हमारा शॉर्टर एक एरो फंक्शन है। इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं कि भाई क्या बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड से मैं ऐसा फंक्शन कैसे बना सकता हूं, तो ठीक है, ये लाइन नंबर 9 में जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है और जो लाइन नंबर 11 में जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली सेम है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। अब ये जो एरो फंक्शन है ना, इसको हम कई तरह से क्रिएट करते हैं, और अगर हम ऑनलाइन देखेंगे ना तो कई तरह से लिखा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहां से रिटर्न करना है, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ट्रू, ठीक है, अब मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें मैंने पहले लाइन में ही रिटर्न कर दिया है, तो अगर ये काम मुझे एरो फंक्शन से करना होगा तो मैं सिंपली ऐसे कर दूंगा। मुझे एरो फंक्शन में अलग से रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर मैं सेम ही लाइन में कुछ रिटर्न करना चाहता हूं तो। अब यहां पर मैं कोई टर्नरी लाइक ऑपरेटर भी यूज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इन शॉर्ट एरो फंक्शन में अगर हम पहली लाइन में ही कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो हमें अलग से रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट नॉर्मल फंक्शन में हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी चीज, कई कई जगह हमें ऐसे देखने को मिलता है अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं पास करते हैं लाइक इस एरो फंक्शन में, तो कई कई जगह पे यहाँ पे लोग अंडरस्कोर भी लिख देते हैं। तो अगर कहीं ऐसा कोड देखने को मिले तो लाइक दैट इज अ एरो फंक्शन, इसका मतलब है कि कोई भी पैरामीटर या फंक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट्स करके स्पेशल कीवर्ड होता है, वो हम यहां से देखते हैं। अगर मैं यहां पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट्स एक स्पेशल टाइप का, समझ लो स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि हर फंक्शन के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक एरे लाइक डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट ये एरे नहीं होता, एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम कुछ कुछ फंक्शंस एरे के फाइंड कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंथ हो गया, बट इसमें हम फिल्टर और मैप रिड्यूस ये सारी चीजें नहीं लगा सकते। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर है, ये एरे नहीं है। तो देखो मैंने इसे कंसोल किया है और इसमें मुझे वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो भी यूजर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करता है। मैंने 8 और 9 पास किया तो मुझे यहाँ 8 9 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लाइक कुछ भी समथिंग समथिंग लिख दूं तो देखोगे मुझे यहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल जानी है, बट एरो फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे सिंपली इसने बता दिया कि आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो एक तो ये डिफरेंस होता है, सेकंड डिफरेंस आता है दिस का। जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनमें जो दिस की वैल्यू होती है वो डिफाइन होती है हम किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, किस तरह से मतलब है कि लाइक जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हर फंक्शन के अंदर एक स्पेशल
कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं दिस। ठीक है, अब ये जो दिस की वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है कि हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, रेदर देन कि फंक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी जैसे ये एड फंक्शन है और इसको मैं सिंपली कॉल कर रहा हूं, इसे यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक है, इसे मैंने कॉल किया है विंडो ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये कुछ ऐसा है विंडो डॉट एड। इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम जब भी कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, और अगर वो ग्लोबल स्कोप में होता है वो डायरेक्टली जाके विंडो में ऐड हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ विंडो डॉट एड, तो देखोगे एक मिनट, यहाँ पे जो मेरा एड फंक्शन है वो मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो दैट मींस कि ये जो मेरा एड फंक्शन है ये जाके विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब दिस को समझने के लिए अलग से ही हमें पढ़ने की जरूरत है, बट मैं एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हमें कभी भी इंटरव्यू में देखने को मिले या हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हम कैसे एक ट्रिक लगा के दिस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमें 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 हमेशा देखना है कि जो भी फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल ये एड फंक्शन है, जब ये कॉल हो रहा हो, ठीक है, ये चीज जरूर देखना कि कॉल हो रहा हो। जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा हम दिस की वैल्यू नहीं बता सकते, अनटिल एंड अनलेस वो एरो फंक्शन ना हो। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, और दूसरी चीज हमको देखनी है कि उसके लेफ्ट में क्या है। जो भी फंक्शन के लेफ्ट में होगा वही दिस की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखोगे कि कंसोल में जो दिस की वैल्यू है वो है विंडो ऑब्जेक्ट। अभी अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, कॉन्स्ट ऑब्ज, ठीक है, और यहां पे एक फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ऐड। और ये भी ध्यान रखना कि हमें हमेशा ये विंडो ऐसे देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो दैट मींस कि ऐड फंक्शन के बगल में विंडो है, और हमेशा ऐड फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू विंडो होगी। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे ओबीजे डॉट ऐड फंक्शन कॉल करता हूँ तो तुम देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड फंक्शन है इसके अंदर दिस की वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो क्योंकि ऐड के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है। अब एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में ओबीजे डॉट ऐड को सेव करा के रख लेता हूँ। अभी देखो मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है। ठीक है, जो भी इस फंक्शन की वैल्यू है वो मैंने सिंपली fn में स्टोर करा ली है। अगर मैं fn फंक्शन को कंसोल करता हूँ तो देखोगे मुझे सिंपली मेरे फंक्शन की बॉडी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हमको पता है कि अब ये जो fn है अगर मैं इसको डायरेक्टली कॉल करूंगा तो इसके लेफ्ट में क्या है बताओ। इसके लेफ्ट में है विंडो, क्योंकि विंडो यहां पे दिख नहीं रही है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखोगे कंसोल में मुझे विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस ट्रिक का यूज करके हम कभी भी दिस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शन के केस में, अगर वो फंक्शन फंक्शन कीवर्ड से बना है। और एरो फंक्शन में दिस थोड़ा अलग तरीके से फाइंड कैलकुलेट होता है। एरो फंक्शन में जो दिस की वैल्यू है वो हमेशा लेक्सिकली फाइंड होती है। लेक्सिकली का मतलब है कि लाइक दिस के अंदर जब भी हमें, ओ सॉरी, एरो फंक्शन के अंदर जब भी हमें दिस को फाइंड करना होगा, जावास्क्रिप्ट का इंजन सबसे पहले जो भी हमारा एरो फंक्शन है उसके पैरेंट स्कोप को चेक करेगा कि पैरेंट स्कोप में दिस की क्या वैल्यू है, और जो भी वैल्यू एरो फंक्शन के पैरेंट स्कोप की होगी वही वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। एक्चुअली हाँ, मैं रेज डरल हाँ, आई एक्चुअली जैसे आपने विंडो बताया और यहाँ पर और आर्गुमेंट बता रहे थे आप नॉर्मल फंक्शन के लिए, तो ये भी विंडो से अटैच रहता है जो आर्गुमेंट सेंड करते तो नॉर्मल फंक्शन में शो होने लग जाता है नहीं आर्गुमेंट। ये विंडो में देखो, ये विंडो में जाके नहीं ऐड होगा बिकॉज ये एक कॉन्स्ट कीवर्ड से बना है। ठीक है, अगर ये वैड से बना होता
तब ये जाके विंडो में अटैच होता। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट तुमको लेफ्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा तो तुम सिंपली समझ लो बगल में विंडो है। ठीक है, नहीं एक्चुअली मैं जो पहले आपने आर्गुमेंट लिखा था ना नॉर्मल फंक्शन में आर्गुमेंट, और आप हाँ आर्गुमेंट फास्ट पास कर रहे थे तो वो भी क्या विंडो में रहता है तो शो करने लग जाता है, वो क्या था वो मुझे नहीं थोड़ा नहीं सा। नहीं वो जो आर्गुमेंट्स कीवर्ड है वो एक स्पेशल कीवर्ड है, उसका विंडो से कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा जो भी फंक्शन तुम फंक्शन कीवर्ड से बनाओगे, हमेशा उस फंक्शन के अंदर तुम्हें एक स्पेशल आर्गुमेंट्स कीवर्ड मिलेगा, और वो हमेशा उन वैल्यूज को रखेगा जो भी यूजर पास करता है। दैट्स इट, उसका दिस से कोई लेना देना नहीं है। एक फीचर से मानने जावास्क्रिप्ट का हाँ आर्गुमेंट यस, दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये और ओनली किसी फॉर द लैंग्वेज में नॉर्मल नहीं होता। फंक्शन, हाँ ओनली फॉर द नॉर्मल फंक्शन। यस, ओनली फॉर द नॉर्मल फंक्शन, ये एक फीचर है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शंस। ओके थैंक यू। तो देखो दिस अलग से आप लोग पढ़ लेना। इन शॉर्ट, अगर कोई भी फंक्शन हमने फंक्शन कीवर्ड से बनाया है तो जो भी फंक्शन कॉल करते टाइम लेफ्ट में होगा वो डिसाइड करेगा दिस की क्या वैल्यू है, और अगर वो एरो फंक्शन है तो जो भी एरो फंक्शन का पैरेंट होगा वो डिसाइड करेगा दिस की क्या वैल्यू होगी एरो फंक्शन के अंदर। सो इन शॉर्ट, एरो फंक्शन के अंदर दिस की कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हमेशा अपने पैरेंट पैरेंट से पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या दिस की वैल्यू है। सर जैसे फंक्शन कीवर्ड को डिफाइन ना करके शॉर्ट में अगर ऐड और कर्ली ब्रेसेस करें तो कुछ डिफरेंस आएगा उससे क्या? गाइड करो मुझे, मैं कैसे लिखूं ये फंक्शन कीवर्ड जो आपने लिखा है ना, फंक्शन कीवर्ड हटा दो, यहाँ। ये नीचे लाइन नंबर 13। अच्छा हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाँ, अगर तुम ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हो तो यस ऑफ कोर्स, लाइक ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ओके ओके इसी की बात कर रहे हो ना। हाँ जी हाँ दोनों सेम है, ये बस शॉर्ट हैंड है। ठीक है, ये जो नए लोग सीख रहे होते हैं उनको नहीं स्टार्टिंग में समझ में आता कि ये हो क्या रहा है, तो ये सिंपली हम इस ऑब्जेक्ट में एक ऐड की ऐड कर रहे हैं जिस जो फंक्शन टाइप का है, दैट्स इट। ओके ठीक है, तो देखो एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शंस में और भी कई सारे डिफरेंस है, बट दो मेन डिफरेंस हमको हमेशा याद रखने हैं जो मैटर करते हैं। नंबर वन कि कैसे दिस की वैल्यू कैलकुलेट होती है, और नंबर टू आर्ग्यूमेंट्स जो स्पेशल कीवर्ड होता है। ठीक है, और तीसरा जो डिफरेंस मेन है वो ये कि जो नॉर्मल फंक्शन है उनको हम न्यू के साथ कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और जैसे ही मेरा फंक्शन है ऐड तो इसको मैं न्यू कीवर्ड के साथ इन्वोक कर सकता हूँ, जैसे न्यू ऐड। ठीक है, बट ये काम मैं एरो फंक्शंस के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे मुझे ठीक है, सबट्रैक्ट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली ये तीन डिफरेंस वैल्यूएबल डिफरेंस है जो कि डिफरेंस मेक करते हैं। ठीक है, और ये क्लियर है राइट? तीन डिफरेंसेस जो एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शंस में है। ठीक है, अब देखो जो आजकल क्या है ना कि हम लोग एरो फंक्शन को बहुत प्रिफर कर रहे हैं, हर जगह हम एरो फंक्शंस लिख रहे हैं, बट हमें एरो फंक्शन तभी लिखना है जब हमें एरो फंक्शंस की जरूरत है। बेसिकली अगर हम क्लासेस में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एंगुलर में काम कर रहा हूँ, मुझे क्लासेस में ही काम करना है, या मैं रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट्स में काम कर रहा हूँ, तब हम एरो फंक्शंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि वहां क्लासेस में दिस की जो बाइंडिंग होती है वो एरो फंक्शंस के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। बट अगर हम रेगुलर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिएक्ट में या जावास्क्रिप्ट में, तो हमेशा कोशिश करो कि लाइक हम रेगुलर फंक्शन क्रिएट करने का। ठीक है, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो एरो फंक्शन से कभी कभी, मतलब अगर कोई एरर आती है, अगर हम कंसोल वगैरह या स्टैक ट्रेस देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, बिकॉज ये एक एनोनिमस फंक्शन है। ठीक
ठीक है, तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फंक्शन एरर कॉज कर रहा है। अगर हमारे फंक्शन का कोई नाम होगा तो हमें स्टैक ट्रेस में पता चल जाएगा कि अच्छा ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, एक तो ये फायदा होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि लाइक अगर हम स्पेशली रिएक्ट में काम कर रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे जब हम करिंग पढ़ेंगे, कि हम रेंडर फंक्शन में ही बहुत सारे एरो फंक्शन लिख देते हैं जो कि रीडेबिलिटी को बहुत ही अफेक्ट करता है। तो इन दो रीजंस की वजह से हमेशा प्रेफर करो कि हम ये नॉर्मल फंक्शन यूज करें। अनटिल एंड अनलेस तुम्हें पता है कि तुम एरो फंक्शन क्यों यूज कर रहे हो और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब हम फंक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में ही एग्जिस्ट करती है। और अगर कोई पर्सन दूसरी लैंग्वेज से आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीजों को समझने में। सो जो सबसे पहली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस हैं वो एक रेगुलर वेरिएबल की तरह होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, नंबर्स, बूलियंस, फॉर एग्जाम्पल नम1, 90। ये नम1 क्या है, एक वेरिएबल है और ये हमने वैल्यू असाइन की है। ठीक है, सेम चीज होती है फंक्शंस के साथ। जो फंक्शंस होते हैं वो सिंपली एक वेरिएबल होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं, जैसे कि ठीक है अभी ये जो डू समथिंग फंक्शन है इसमें मैं एड फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट की तरह पास कर, सॉरी ये डिक्लेरेशन है, इसे मैं कॉल बैक नाम दे देता हूँ, इसको कॉल करते हैं। डू समथिंग फंक्शन में मैं एड फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, जस्ट लाइक अ नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, और जब भी मुझे जरूरत होगी मुझे इस एड फंक्शन को कॉल करने की, मैं यहाँ पे रिसीव कर ही रहा हूँ, मैं सिंपली इसको कॉल कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट या दो टर्मिनोलॉजी निकल के आती है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी निकल के आती है फर्स्ट क्लास सिटीजन। जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। इसका बस इतना ही मतलब है कि फंक्शंस नॉर्मल रेगुलर वेरिएबल्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए फंक्शंस फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज निकल के आती है कॉल बैक्स। अब जावास्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और जो फंक्शन हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो कॉल बैक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमने एड फंक्शन को पास किया है ये एक कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है और उसको हम लेटर, मतलब लेटर इन टाइम कॉल करेंगे जब हमें जरूरत होगी। ठीक है, एक थर्ड चीज भी है जिसे हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा हो, जैसे कि डू समथिंग, हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। तो ये डू समथिंग जो है ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। और अगर ये कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा होता, फॉर एग्जाम्पल दिस, तब भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। सबसे पहला, जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस हैं वो फर्स्ट क्लास सिटीजन है। फर्स्ट क्लास सिटीजन का डायरेक्ट मतलब है कि फंक्शंस वेरिएबल्स की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड, कॉल बैक्स, और थर्ड, हायर ऑर्डर फंक्शंस। कोई क्वेश्चन? राहुल सर, इसके साथ हम जैसे इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जैसे कि पॉलीफिल लिखते हैं उसमें पॉलीफिल में कॉल बैक का यूज होता है, तो दिस के अंदर उसका एग्जीक्यूशन थोड़ा यहाँ पे बता सकते हैं कि आप मुझे उसका बेसिक थोड़ा, जैसे कॉल बैक के साथ कैसे काम करता है वो। ठीक, ठीक है, अभी हम एक पॉलीफिल लिख के देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो भी हायर ऑर्डर फंक्शन के रहते हैं। नो, हायर ऑर्डर फंक्शन की बस दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1,
या तो वो फंक्शन कॉल बैक में आते हो और रिटर्न अ फंक्शन। नहीं, या तो वो फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा, ठीक है, जैसे कि डू समथिंग, दूसरी रिक्वायरमेंट या दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो वो फंक्शन कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज अगर है तो वो हायर ऑर्डर फंक्शन है। अब अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, और मैं यहां पे चाहे 15-20 फंक्शन बना लूं, ये हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन, क्योंकि ना तो ये एक कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है फंक्शन टाइप का, ना ही कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो ये कोई हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं है। और कोई क्वेश्चन, या तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ राहुल, ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या, जब हम लोग एक फंक्शन पास कर रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज करता है? ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं, मैं नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऐड फंक्शन पास कर दिया, तो बताओ इसमें क्या। अगर यहाँ पे ऐड में फंक्शन है और कोई नई वैल्यू अगर पास कर रहा है, अगर हम लोग आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं, कहाँ पे लाइन नंबर बताओ या कुछ बताओ जो मैं लिखूं और फिर तुम बताओ। मतलब यहाँ पर मैंने कुछ पढ़ा था उस पे वेबसाइट पे कि हायर ऑर्डर फंक्शन वो होते हैं जो ओरिजिनल वैल्यू उनकी चेंज करती है, दूसरे फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू चेंज करते हैं वो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। नहीं, चेक कर लेते हैं ना, बस जो तुम बोल रहे हो उसका हायर ऑर्डर फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हायर ऑर्डर फंक्शन की बस दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, नंबर वन, या तो वो कोई पैरामीटर आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा हो या तो वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हो, दैट्स इट। एक और आउट है, लाइक आर्गुमेंट और पैरामीटर थोड़ा बता सकते हो इसमें? हाँ, जो पैरामीटर्स होते हैं वो जब हम फंक्शन को क्रिएट, देखो चाहे तुम अब अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम चाहे पैरामीटर बोलो चाहे आर्गुमेंट बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम किसी इंटरव्यू में हो और तुमसे वो पूछ रहा है कि पैरामीटर आर्गुमेंट बताओ, तो ऐसे समझ लो जब तुम फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, जब तुम फंक्शन को क्रिएट करते हो तब तुम पैरामीटर डिफाइन करते हो, ठीक है, जब तुम फंक्शन को कॉल करते हो तब तुम आर्गुमेंट पास करते हो। ये जो ऐड फंक्शन मैंने बनाया है यहाँ पे जो नम वन और नम टू है ये पैरामीटर है, मैं ये पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यूजर पास करेगा। अब जरूरी नहीं कि यूजर पास करे, जो भी वैल्यू यूजर फंक्शन कॉल करते टाइम पास करता है वो आर्ग्यूमेंट्स होती है। जैसे यहाँ पे मान लो मैं 3 नंबर एक्सपेक्ट करता हूँ, ये 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जरूरी नहीं यूजर तीनों वैल्यूज भेजे, फॉर एग्जांपल यूजर बस 2 भेज रहा है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये आर्ग्यूमेंट है। इसीलिए तुम ऐसे एनालॉजी समझ लो ना कि हर फंक्शन के अंदर एक स्पेशल कीवर्ड होता है आर्ग्यूमेंट्स। अभी अगर मैं इस आर्ग्यूमेंट्स को कंसोल करूंगा तो इसके अंदर मुझे बस 2 देखने को मिलेगा, मुझे नम 2 नम 3 नहीं मिलेगा, ठीक है, ये देखो मुझे बस 2 देखने को मिला, वो इसलिए क्योंकि मैंने बस 2 ही, मतलब बस 2 पास किया और जो मैं पास करता हूँ वो आर्ग्यूमेंट होता है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है, तो पैरामीटर्स होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूजर भेजेगा, आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो यूजर भेजता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स वो सॉरी पैरामीटर्स किसी फंक्शन में तब एप्लीकेबल होते हैं जब तुम फंक्शन की डेफिनेशन डिसाइड कर रहे हो, जब तुम फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, और आर्ग्यूमेंट्स पिक्चर में तब आते हैं जब तुम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हो, ठीक है। हेलो हाँ, सर। हाँ सर, ये जो एरो फंक्शन है सर, सॉरी, एरो फंक्शन वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ है उसका रिलेशनशिप? नहीं ये ज्यादा कुछ नहीं है, जब हम रिएक्ट पे काम करते हैं ना तब थोड़ा एरो फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट बहुत ही कम, वो हम जब करेंगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। नहीं सर,
मैं क्या बोल रहा था कि जब भी जावास्क्रिप्ट इसको रीड करेगा तो नॉर्मल फंक्शन होगा तो उसको पहले ही अपने मेमोरी में वो रख लेगा एज अ वेरिएबल, और जो एरो फंक्शन है वो तो डेट जोन में होंगे तो उसकी मेमोरी में नहीं होंगे। तो इस तरह से हम अगर सोचते हैं तो एरो फंक्शन से कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे तो वो हमें एज परफॉर्मेंस में इशू नहीं कुछ होगा उसका कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं हो भाई, मेमोरी में तो दोनों ही जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कर दूं ठीक है, तो तुम क्या बोल रहे हो कि ये फंक्शन मेमोरी में नहीं जाएगा? जब जावास्क्रिप्ट इसको इसको जब रीड करेगा तो ये जो ऐड फंक्शन है वो तो होस्टिंग उसका हो जाएगा, तो पहले वो डिक्लेयर हो जाएगा, वो ऐड टू नहीं होता। जावास्क्रिप्ट दो फेजेस में काम करता है। सबसे पहली पहला फेज होता है पार्सिंग कंपाइलेशन, ठीक है, उसको लोग मेमोरी एलोकेशन ये भी बोलते हैं। जब पार्सिंग वगैरह हो रही होगी तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, अपने मेमोरी वाली जगह में एक वेरिएबल बनाएगा ऐड, उसकी जो वैल्यू है वो असाइन कर देगा फंक्शन बॉडी, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आएगा लाइन नंबर 15 उसे दिखेगा कॉन्स्ट, वो एक और वेरिएबल क्रिएट करेगा और उसकी वैल्यू असाइन कर देगा एक फंक्शन। तो दोनों ही सेम काम करेंगे, कोई इसका वो अलग से नहीं ट्रीटमेंट होता है, दोनों ही मेमोरी में सेव होंगे। लेकिन सर हम जब जब इसको डिबग करते हो फॉल्स स्टैक में चेक करते हैं तो ये ऐड टू वो तो हमेशा अनडिफाइंड मिलता है, और जो ऐड है उसके वो एलोकेशन होता है उसका, वो हम पढ़ेंगे होस्टिंग में। वो जावास्क्रिप्ट जिस तरह से वेरिएबल्स को ट्रीट करता है वो चीज है, वो उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी देर में तुम्हें क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये थोड़ी देर बाद देखते हैं। जो फंक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो जब हम पास करते हैं एक फंक्शन को और उसकी वैल्यू हम चेंज कर दें, जो हायर ऑर्डर फंक्शन में उसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा, रेफरेंस होते हैं ये, रेफरेंस वैल्यू, यस। अब डिपेंड करता है कि तुम क्या चेंज करते हो। अगर तुम फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट है, एकदम करेक्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट है, अभी मैं दिखा भी दूंगा क्यों ऑब्जेक्ट है। फंक्शन अगर जावास्क्रिप्ट क्रिएट करता है तो इंटरनली कैसे क्रिएट करता है, तो अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन में मैंने ऐड फंक्शन को भेजा, सीबी आया, सीबी सीबी डॉट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 888, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग ऐड डॉट एट डॉट एट डॉट एट, तो मेरा ये जो एक्स वाई जेड है ये ओरिजिनल फंक्शन में भी ऐड हो गया जाके, ठीक है। तो अगर तुम इस फंक्शन को मॉडिफाई करोगे तो ओरिजिनल भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम पूरा फंक्शन रिप्लेस कर दें, अगर हम पूरा फंक्शन रिप्लेस कर दें इसकी जो कोई वैल्यू दे टू या फिर वन, वो भी चेंज हो जाएगी ना, पूरा नल हो गया उसमें को कर लेते हैं। नहीं, पूरा फंक्शन कैसे रिप्लेस कर दोगे तुम, मतलब उसको डिक्लेयर कर रहे हैं दोबारा? अच्छा, नहीं हो रहा ना, बस नहीं होगा, वो रिप्लेस रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐड वैड कर सकते हो, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि कैसे फंक्शन इंटरनली क्रिएट होता है और कैसे एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल का यूज करके एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, सेम ऐड, ठीक है। जो भी ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल है ये कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ए दे दिया और बी दे दिया, ये हम कितने भी कर सकते हैं जितने हम चाहें, और जो सबसे लास्ट में जो पैरामीटर ये एक्सपेक्ट करता है ये फंक्शन बॉडी एक्सपेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ रिटर्न, और वो भी सब स्ट्रिंग्स में रहेगा, ए प्लस बी प्लस
ठीक है, तो ये जो ऐड है ये सिंपली एक मेरा ऐड फंक्शन है। अभी अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग 2 + 2, 5, 6, तो देखोगे कंसोल ने मुझे इसमें प्लस नहीं किया गया। ओके ऐड, ठीक है 13 मुझे सम देखने को मिल गया। तो ऐसे समझ लो इंटरनली ऐसे फंक्शन क्रिएट होता है इस वजह से जो तुम्हारे फंक्शंस हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हम एक पॉलीफिल लिख के देख लेते हैं जो भी अपने डाउट्स हैं। पॉलीफिल का मतलब होता है सिंपली ओल्डर ब्राउजर्स में या ओल्डर सॉफ्टवेयर में कोई नई चीज का सपोर्ट डालना। फॉर एग्जाम्पल क्रोम ने कोई फीचर निकाल दिया कि ये भाई ये फीचर है, ये फॉर एग्जाम्पल बटन्स को एनिमेट करेगा, ठीक है। अब अगर फायरफॉक्स वाली टीम को सेम चीज अपने ब्राउजर में डालनी है तो वो मे बी पॉलीफिल लिखे, क्योंकि उनकी पूरी टीम को सेम कोड लिखने में मे बी टाइम लगे। तो वो लोग क्या करेंगे, जो भी क्रोम का कोड है वो सिंपली एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे कुछ टाइम बींग के लिए और उसी कोड से अपना काम करेंगे। तो इन शॉर्ट पॉलीफिल क्या करता है, ओल्डर सॉफ्टवेयर में न्यू फंक्शनैलिटीज का सपोर्ट डालता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी हम पॉलीफिल लिखते हैं वो हम प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप की पे अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, या चलो हम मैप मैप का प्रोटोटाइप लिख के देखते हैं। एक एरे में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं एक ट्रांसफॉर्म्ड एरे जिसमें मैं आईडी चाहता हूं जो भी नंबर से, ठीक है, इस तरह से चाहता हूं। तो ये काम मैं इजीली मैप से कर सकता हूं। लाइक मैं सिंपली इस पे मैप रन कर देता हूं और जो भी मुझे वैल्यू मिलेगी मैं सिंपली रिटर्न कर देता हूं, एक ऑब्जेक्ट आईडी और वैल्यू, ठीक है। मेरे पास एक एरे आ गया जिसमें आईडी करके ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू जो भी एरे में वैल्यू है वो है। अब हम सेम काम करेंगे बट हम अपना खुद का पॉलीफिल बनाएंगे। उसके लिए मैं एरे के प्रोटोटाइप पे माई मैप नाम का फंक्शन अटैच कर देता हूं, ठीक है। तो अभी देखो जब मैं न्यू ऐसे करते हैं, ठीक है, अभी ये जो माई मैप फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर दिस की क्या वैल्यू होगी, एरे जो अपने बनाए वो भी, क्योंकि लेफ्ट में एरे है। तो इस माई मैप फंक्शन के अंदर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं दिस, तो देखोगे मुझे एरे देखने डिफरेंशियल ये कहां पे है। ओके ओके ठीक है, तो ये देखो मुझे माई मैप फंक्शन के अंदर मेरा जो एरे है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी ये जो मैप फंक्शन ही क्या करता है, ये एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव करता है, राइट। मैं ये जो भी फंक्शन था इसको यहां पास कर देता हूं, ये यही करता है, राइट। मैप फंक्शन एक हम कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। अब जो भी बंदा पॉलीफिल लिख रहा होगा माई मैप फंक्शन का, उसे कोई मतलब नहीं है कि कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पे कॉलबैक फंक्शन मिलेगा ये मुझे पता है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि जो दिस है वो मेरा एरे है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक लूप रन करूंगा अपने एरे पे, और वो लूप कोई भी लूप हो सकता है, फॉर ईच हो सकता है, फॉर ऑफ, कोई भी लूप हो सकता है। मैं सिंपली यहाँ पे फॉर ईच लूप रन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ मैप फंक्शन क्या करता है, वो जो भी इनपुट होगा एरे वो इटरेट
करेगा वो न्यू एरे रिटर्न करेगा, वो एक एरे रिटर्न करता है। तो हमें एक एरे रिटर्न करना है तो हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एक एरे बना लिया, अभी मैं इसको सिंपली रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा लूप चल रहा है, अब मुझे पता है मुझे जो भी ये आर्ग्यूमेंट है ये मुझे रिटर्न करके देगा जो नई वैल्यू होगी। मैं सिंपली ऐसे करूंगा, कॉन्स्ट न्यू वैल्यू इज इक्वल टू जो भी मेरा कॉल बैक फंक्शन है, और अभी जो कॉल बैक फंक्शन है ये वही फंक्शन है जो हमने पास किया था। अब इस फंक्शन में मुझे सबसे पहले तो वैल्यू भेजनी है, तो फॉर इच लूप से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहां से मुझे इंडेक्स भी मिल जाएगा, मैं इंडेक्स भी भेज देता हूँ, और सिंपली ये जो न्यू वैल्यू मेरा कॉल बैक रिटर्न करके देगा रिजल्ट डॉट पुश, और यहाँ पे न्यू वैल्यू, ठीक है। तो इतना ही है मैप का पॉलीफिल, और अगर मैं कंसोल डॉट ये मेरा एक एरे आ गया मेरे पास। तो पॉलीफिल सिंपली फंक्शंस होते हैं जो हम लिखते हैं नई फंक्शनैलिटीज को ऐड करने के लिए, और सिंपली इनका कोर कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है दिस पे, ठीक है, दिस पे, दिस और कॉल बैक फंक्शन, दैट्स इट। इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो देखो मैं इटरेट कर देता हूँ फंक्शंस। फंक्शंस में इतनी ही चीजें हैं जो हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि लाइक सबसे पहली चीज कि हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं सो दैट हम रीयूजेबल कोड लिख सकें, ठीक है गाइस। तो हमेशा कोशिश करो ना कि तुम फंक्शन ही क्रिएट करो। ये मैं एक बार ये चीज ना दोबारा लिख देता हूँ, देखो जब भी हम रियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, भले ही हम कितने अच्छे कोडर हो, ठीक है, जो भी कोड हम लिखते हैं तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत अच्छा कोड है और ये मुझे याद रहेगा, बट इन रियलिटी एक हफ्ते के बाद तुम वो कोड भूल जाओगे, ठीक है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक दिन में कई सारे काम होते हैं करने के लिए, ठीक है, तो हम सारी चीजों को रिमाइंड नहीं कर सकते। तुम अगर एक हफ्ते बाद अपना कोड देखोगे तो तुमको याद ही नहीं आएगा कि ये मेरा कोड है। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है, लाइक कि मुझे कमिट हिस्ट्री चेक करनी पड़ गई, चेक करने के लिए कि भाई ये कोड किसने किया, जबकि वो कोड मैंने ही किया था, क्योंकि इतना सारा काम होता है और उसमें कीप ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम कई बार क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एपीआई कॉल का मैं एक एग्जांपल ले देता हूँ, ठीक है। हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट गेट डेटा, ठीक है, और इसमें हम यूआरएल लेते हैं यूजर से, और फिर कॉन्स्ट दिस डॉट सॉरी रिजल्ट इज इक्वल टू वेट, ठीक है। अभी सम फंक्शन कोई फंक्शन है जो कोई एपीआई कॉल लगा रहा होगा, फिर फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिजल्ट है ये किसी और टाइप का है, लाइक यहाँ पे 10 तरह की कीज आ रही है बट मुझे 2 ही कीज चाहिए, तो मैं सिंपली ऐसे कई बार हम कर लेते हैं, ये मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया है। अब ऐसा कोड एक नजर में देखने में सही लगता है, ठीक है, बट इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमने स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज पढ़ी थी कि एक फंक्शन का काम होता है बस एक ही चीज करना, यहाँ पर मैं 3 चीज कर रहा हूँ। एपीआई से मैं डेटा ला रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बेस्ड ऑन रोल कुछ काम कर रहा हूँ। तो हमें ऐसा कोड लिखने से बचना है, ठीक है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन गेट ट्रांसफॉर्म्ड डेटा, ठीक है। इसका काम सिंपली होगा जो भी डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करके रिटर्न करना, ठीक है। एक फंक्शन में बना सकता हूँ कुछ ऐसा,
ठीक है। तो अब देखो बस इतने से चेंज से मेरा ये जो फंक्शन है कितना ज्यादा सिंपल हो गया, ठीक है। अभी इसको भी मैं और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, मैं इन दोनों चीजों को यहाँ से हटा के सिंपली यहाँ से रिजल्ट को रिटर्न कर दूं, और जो भी गेट डेटा फंक्शन जहां कॉल होगा वहां पे मैं इन दोनों चीजों को करूँ। तो देखो इतना एफर्ट डालने का बस इतना इतना मोटिव है कि मैं डिबग कर सकूं अपना कोड जब कोई बग आए, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मान लो मेरा यही कोड बगी होता, तो मैं सिंपली एक एक फंक्शन को कमेंट आउट करके चेक कर सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। अगर चलो मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट फंक्शन के नाम पढ़ के पता कर सकता हूँ कि ये कोड कर क्या रहा है, ठीक है। अगर हम सारी चीज एक ही फंक्शन में लिख देंगे तो फंक्शन का सारा पर्पस खत्म हो जाएगा। ये फंक्शन बोल रहा है गेट डेटा बट इन रियलिटी ये कुछ और कर रहा है। तो हमेशा कोशिश करो, हमेशा अगर तुम्हारे हाथ में है, तुम कोई कोड लिख रहे हो, जितने फंक्शन क्रिएट कर सकते हो उतने फंक्शन क्रिएट करो, तुम्हारी लाइफ बहुत इजी रहेगी, ठीक है। हेलो राहुल, एक डाउट है, जैसे जितने ज्यादा हम फंक्शन बनाएंगे उतने ज्यादा वो मेमोरी में स्पेस नहीं। ब्रो देखो ये मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जो मेमोरी का लिमिट था ना, अगर तुम अभी 10 साल पहले हम अगर होते 2014 में 2010 में, ठीक है, तब मेमोरी एक कंसर्न थी। तुम कौन सा लैपटॉप यूज करते हो बताओ? लेनोवो का है, कंपनी का ही है। हाँ ठीक है, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन शेयर करूं। 64 GB है रैम। हाँ जी, तो तुम्हें क्या दिक्कत है मेमोरी की बताओ भाई? एक ऐसा कंसर्न नॉर्मली पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, देखो आजकल के सिस्टम इतने एफिशिएंट है ना भाई कि तुम 10,000-20,000 फंक्शन क्रिएट कर लोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आजकल जो लोग भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, कोई विंडोज XP या विंडोज जो भी 8-10 था उनके लिए तो कोई बनाता ही नहीं है ना एप्लीकेशन। हर किसी के पास इतने फास्ट रनिंग सिस्टम है कि मेमोरी आजकल लाइक उतनी ज्यादा मैं कहूंगा कि कंसर्निंग चीज नहीं है। अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत ही वियर्ड सा कोई कोड लिख दो, इनफाइनाइट लूप चला दो और मतलब हर फंक्शन कॉल के साथ मेमोरी बढ़ रही है, अनटिल एंड अनलेस तुम अपनी साइड से कोई खराब कोड ना लिखो, आजकल के ब्राउजर इतने एफिशिएंट है कि तुम्हारे कोड को इतना सही कर देते हैं। बट राहुल ये कोड सर्वर पे जाता तो परफॉर्मेंस का इशू नहीं आता एप्लीकेशन पे मल्टीपल? सारा कोड तुम्हारे ब्राउजर पे रन होता है, जो भी जावास्क्रिप्ट तुम लिखते हो सर्वर पे नहीं रन होता है वो, ठीक। वो तुम्हारे मशीन पे रन होता है। अगर तुम कोई भी वेबसाइट ब्राउजर में चला रहे हो, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट पहले डाउनलोड होगा फिर ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो मेमोरी के लिए बिल्कुल भी तुम टेंशन मत लो, तुम अपने खुद के कोड में खुद अपने सिस्टम में 15,000-20,000 फंक्शन क्रिएट करके देख लो, ठीक है। एक तुम सिंपली जावास्क्रिप्ट में जो एरेज होते हैं हम कोई नंबर्स के साथ एरे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या वो भी नहीं करना तो तुम सिंपली एक वाइल लूप रन करो, यहाँ पे तुम कोई नंबर बना लो लेट करके 0 और यहाँ पे तुम इसको कर दो 10 जो भी तुम्हें नंबर देना है, ठीक है। और फंक्शंस क्रिएट करके एरे में पुश कर लो और लूप चला के फंक्शंस कॉल कर लो, चेक कर लो, ठीक है। इतने फंक्शंस कहाँ बना पाओगे भाई? मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ, तुम कितनी भी बड़ी एप्लीकेशन बना लो 100 मैक्सिमम फंक्शन होते हैं जो तुम बनाओगे, 100 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेमोरी इज नॉट अ कंसर्न, और वो भी 2023 में जी, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस तुम कोई फिशी कोड ना लिख दो, वो फिर तुम्हारे ऊपर है भाई जी। थैंक यू सर। एक डाउट था, ES7 में एक जनरेटर फंक्शन करके आया है, तो इसमें जनरेटर फंक्शन और ये नॉर्मल फंक्शन दोनों सेम होते हैं या कुछ डिफरेंस है उसमें? नहीं बहुत डिफरेंस है यार। देखो जनरेटर फंक्शन ही जनरेटर फंक्शन एक अलग ही समझ लो, मतलब वो अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास पहले कॉलबैक्स थे, फिर प्रॉमिसेस आए, फिर एसिंक अवेट आया और फिर जनरेटर्स आए, तो जनरेटर्स तुम ऐसे समझ लो तुम्हें एसिंक कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जनरेटर्स को तुम पॉज कर ऐसे समझ, एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत ही क्विकली। ये तुम ऐसे समझ लो टीजर टाइप का है, ठीक है, कि
तुम सबको पता चल जाए कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। जावास्क्रिप्ट में ES6 में एक स्पेशल टाइप का फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, जनरेटर फंक्शन। नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, एक बार तुमने कॉल किया, उन्होंने रिटर्न किया, काम खत्म, अब उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो मेमोरी से वाइप्ड आउट हो गए। बट जो जनरेटर फंक्शंस होते हैं उनका जो एग्जीक्यूशन है वो हम पॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूजिंग स्पेशल कीवर्ड कॉल्ड यील्ड, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जनरेटर फंक्शन को जब भी हम फर्स्ट टाइम कॉल करेंगे तो जनरेटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है। जनरेटर फंक्शन हमें हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देते हैं जिसे हम जनरेटर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जनरेटर ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो देखोगे कंसोल में मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला क्योंकि अभी जनरेटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। जनरेटर फंक्शन का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है, हम डिसाइड करेंगे ये फंक्शन कब चलेगा कब रुकेगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये चले, तो मैं कॉल करूंगा डॉट नेक्स्ट। ये डॉट नेक्स्ट मेथड इस ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली ही इंजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, आई एम हियर। देखो जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम डॉट नेक्स्ट को कॉल किया, मेरे फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही उसने यील्ड कीवर्ड को देखा, उसका एग्जीक्यूशन पॉज हो गया है, ठीक है। अभी ये फंक्शन यहाँ रुका हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 मिनट बाद या कोई डेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यूजर से, वो डेटा मेरे पास आ गया, तो मैं दोबारा नेक्स्ट फंक्शन कॉल करूंगा। अब यहाँ पे आई एम हियर 2 आ गया और अब मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे रुका हुआ है लाइन नंबर 5 पे, ठीक है। तो एक और बार कॉल कर लेते हैं आई एम 5, ये यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अब इसे कॉल करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। तो इन शॉर्ट, जनरेटर ये एक स्पेशल जनरेटर फंक्शन है जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है और जनरेटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन हम पॉज कर सकते हैं। ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूजिंग यील्ड कीवर्ड। ओके, थैंक यू। मैंने सुना है कि यानी कि हम लोग कह रहे थे अगर कोड रिपीट ना हो ना तो फंक्शन लाइन में चाहिए, सिंपल लाइन में लिखना चाहिए, यानी कि हमें पता है कि हम जो कोड लिख रहे हैं आगे कभी रिपीट नहीं होगा। कभी नहीं भाई, ऐसे समझ लो ना तुम। सर मेरा जनरेटर में डाउट था, बताओ भाई। जनरेटर में डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ना बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, हम टाइम आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं। उसमें कोई रियल वर्ल्ड सिनेरियो मतलब जहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं कुछ ऐसा आप बताओ। यार रियल वर्ल्ड क्या, वो तुम किसी भी चीज में लाइक ऐसे समझ लो ना, जैसे नॉर्मल इसी एडिशन कैलकुलेटर में ही समझ लो कि तुम फॉर एग्जाम्पल सीरीज ऑफ इनपुट्स तुम यूजर से चाह रहे हो, जैसे मैं 9 + 2 + 3 + 4 / 3 ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। तुमने सिंपली एक जनरेटर फंक्शन बना लिया जो एक ऑपरेशन करने के बाद पॉज हो गया, अब तुम वेट कर रहे हो कि तुम्हें दूसरा इनपुट मिले। जनरेटर फंक्शन में तुम मैसेज को पास भी कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने 5 एंटर किया तो जब तुम डॉट नेक्स्ट कॉल करोगे तुम वो 5 को वहां पे पास भी कर सकते हो। तो ऐसा कोई सीक्वेंस जो तुम्हें परफॉर्म करना है जहां पे तुम वेट कर रहे हो कि यूजर अब इनपुट करे या अब मेरे पास डेटा है, फॉर एग्जांपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, जहां पे तुम्हारे पास 3 स्टेप्स हैं, अब तुम्हें हर स्टेप का डेटा सर्वर पे भेजना है, तुमने पहले स्टेप का भेज दिया, अब तुम वेट कर रहे हो कि यूजर सेकंड स्टेप का डेटा फिल करे, जैसे ही फिल करा मैंने उसको भेज दिया सर्वर पे। तो ऐसे समझ लो कि जो काम तुम जनरेटर से करते हो वो काम तुम नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये बस तुम्हारी एक डेवलपर की चॉइस है कि वो कौन सा तरीका प्रिफर करता है। इन शॉर्ट, ऐसा कोई भी टास्क जहां पे तुम्हें
डेटा के लिए वेट करना पड़ रहा है, डेटा तुम्हें थोड़े थोड़े टाइम बाद मिल रहा है, वहां पे तुम जनरेटेड फंक्शन यूज कर सकते हो। अब कोई भी यूज केस हो सकता है। ओके ओके ठीक है। हाँ तो भाई ये उसके लिए मतलब जो भी पूछ रहा था कि अगर अगर मैं रिपीटेटिव काम नहीं कर रहा हूँ तो क्या मैं फंक्शन ना बनाऊं, तो भाई अगर तुम रिपीटेटिव काम नहीं कर रहे हो, फंक्शन नहीं बनाओगे, तो तुम्हारा कोड कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब फिर तुम कमेंट ऐड करते बैठ जाओ। लाइक अगर तुम अच्छे डेवलपर हो, ठीक है, यू केयर अबाउट योर कोड कि मैं अच्छा कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, तब तुम केयर करोगे, नहीं तो तुम ऐसा कोड डाल के अपना काम चला लोगे। तुम्हें कोई अगर तुम ऐसी कंपनी में हो जो बस रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, जिनको बस रिजल्ट से मतलब है, तुमने ऐसा कोड लिख के, ये कोड सिंपली नंबर को प्लस कर रहा है, सब मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो तुम काम एक्सपेक्ट कर रहे हो ये वो काम करके दे रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा इंटेलिजेंस है, तुम्हारा जजमेंट है, क्या तुम इस कोड से खुश हो। यहाँ पे अगर तुम कभी एक हफ्ते बाद आओगे तो गोल गोल घूम जाओगे, यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। अब अगर यही कोड मैं फंक्शन से लिख रहा होता, मेरे पास सिंपली चार फंक्शन होते, ठीक है, तो अब रिजल्ट तुम्हारे सामने है, दिस वर्सेस दिस, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो भाई यूज कर लो, कुछ भी कोड रिपीट नहीं हो रहा, बट फिर भी मैंने फंक्शन बनाए हैं। फंक्शन मेक्स योर कोड टेस्टेबल। अब तुम इस अगर तुम्हें इस फंक्शन को टेस्ट करना है, इस कोड को, कि सही काम कर रहा है कि नहीं, कैसे करोगे, देयर इज नो वे, राइट। तो भाई हमेशा भले ही तुम, अब कोड हम आज का सोच के नहीं लिखते हैं, ठीक है, कोड हम कल का सोच के लिखते हैं। अभी मेरे पास एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, कल को भाई क्लाइंट बोलता है कि मुझे अब एक्सपोनेंशियल भी चाहिए, ठीक है, मुझे अब साइन थीटा वाइन थीटा भी कैलकुलेट करना है, वो भी चाहिए, तो क्या वो सब तुम यहीं पे लिखते जाओगे? दैट्स अ वेरी बैड अप्रोच भाई, ऐसा कभी मत करना। अगर जिसने भी तुमको सजेस्ट किया है तो वो बहुत ही गलत सजेशन है। ऑलवेज राइट फंक्शन, ऑलवेज छोटे छोटे फंक्शन, भले ही 1000 हो जाए, तुम कितना भी बड़ा कोड बेस लेके आ जाओ मेरे पास, मुश्किल से 30-40 से ऊपर तुम जाओगे ही नहीं, ठीक है। मैंने इतने लाइक मैंने आई हैव सीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स 1000-2000 लाइंस ऑफ कोड। अब 1000-2000 क्या ज्यादा है क्या? बिल्कुल ज्यादा नहीं है। अब वो ज्यादा लाइक 2000 भी इसलिए पहुंचा क्योंकि लोगों ने उसे अच्छे से लिखा ही नहीं। अगर तुम्हारी फाइल, तुम्हारी कोड बेस की कोई एक फाइल अगर 100 लाइन से ज्यादा हो रही है तो तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है। क्योंकि आजकल मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, वी डोंट फोकस ऑन वॉट वी राइट, ठीक है, वी फोकस ऑन हाउ वी राइट। आजकल इतने पावरफुल सिस्टम्स हैं, अगर तुम्हारे कोड में 19-20 भी है तो कंपाइलर ऑप्टिमाइज कर लेता है, मशीन्स मतलब इतनी पावरफुल है कि चल जाता है कोड, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब अगर तुमने एकदम खराब कोड लिखा हुआ है तो भाई दिक्कत तुम्हें आएगी, तुम्हारे पीयर डेवलपर्स को आएगी, उस कोड को समझने में, डिबग करने में, मेंटेन करने में। तुम आजकल देखो कहीं भी अगर काम कर रहे हो या काम करोगे तो तुम हमेशा देखोगे कि इतने सारे रूल्स लगे होते हैं ना, लिंट चेक लगा होता है कि प्रॉपर स्पेसिंग है कि नहीं है, प्रॉपर इंडेंटेशन है कि नहीं है, वेरिएबल्स के नाम तुमने कैसे लिखे हैं। कोड लाइक आजकल डिपेंड करता है कि तुम कैसे लिख रहे हो। तो भाई हमेशा कोशिश करो, हमेशा क्रिएट फंक्शंस। तो ठीक है, इसमें कोई डाउट है भाई कि अगर रिपीट ना हो रहा हो तो हम फंक्शन नहीं लिखेंगे? मतलब ठीक है, तो अगेन मैं इटरेट कर देता हूँ कि भाई फंक्शंस हम यूज करते हैं सो दैट हम स्पेसिफिक टास्क को, अगर कोई टास्क बार बार कर रहे हैं तो वो हम एक ही बार कोड लिख के कर लें, अपने कोड को रीडेबल बना सके। और जावास्क्रिप्ट पे जो फंक्शंस हैं दूसरी लैंग्वेज के फंक्शन से डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शन एक फंक्शन भी है, एक ऑब्जेक्ट भी है, एक वेरिएबल भी है, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नाम है एक फंक्शन के, हायर ऑर्डर फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो एक दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा हो, फर्स्ट क्लास सिटीजन, ये कई बार सुनने को मिलता है कि फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन।
इसका सिंपल सिंपल मतलब है फंक्शंस आर नॉर्मल वेरिएबल्स, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद एरो फंक्शंस जो हमने पढ़ा, तो ये था भाई पूरा फंक्शंस का। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हमें कई कई बार देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं इफी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इमीडिएटली इनवोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है, ये जो काम करता है वो इसके नाम में ही है, इमीडिएटली इनवोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो हम तुरंत कॉल कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट, अब मैं चाहता हूं मैं इस फंक्शन को तुरंत कॉल कर लूं। ठीक है, तो तुरंत कॉल करने का मतलब मुझे ये करना पड़ेगा, इस फंक्शन को मून ब्रैकेट का यूज करके एक अगली लाइन में कॉल करना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल फंक्शन कॉल है, मैं चाहता हूं कि मैं डिक्लेरेशन के साथ साथ इस फंक्शन को कॉल कर लूं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए मुझे इस ये जो फंक्शन है इसको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, जो सबसे कॉमन वे है, हम सिंपली एक मून ब्रैकेट में अपनी फंक्शन बॉडी को रैप कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये सिंपली एक एक्सप्रेशन बन जाता है और हम मून ब्रैकेट्स का यूज करके इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा ये फंक्शन लॉग हो गया है। अब जरूरी नहीं कि हम इसको मून ब्रैकेट में ही लिखें, यहाँ पे मैं कोई भी एक ऐसा यूनरी ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्लस। अब अगर मैं कंसोल करूंगा तब भी मेरा कोड रन करेगा। ठीक है, मुझे सिंपली, क्योंकि देखो जो ये हमने लिखा है ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ठीक है, मुझे इसको एक फंक्शन एक्सप्रेशन में बदलना है। अब हमें पता है, देखो ये जो प्लस ऑपरेटर होता है ये वैल्यूज को ऐड करने के बाद रिजल्ट रिटर्न करता है। देखो एक और चीज उससे समझ लेते हैं, अभी जो हमने फंक्शन लिखा है ये कंपाइल टाइम में सिंपली क्या होगा कि एक वेरिएबल बनेगा और उसके अगेंस्ट ये फंक्शन बॉडी सेव हो जाएगी, ये काम होगा। बट जैसे ही हम इस फंक्शन के आगे कोई भी एक यूनरी ऑपरेटर लगा देते हैं प्लस, तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये सिंपल ऐसा ही है, जैसे मैंने ऐसा कर दिया है प्लस वन। ठीक है, तो अब ये मेमोरी में सेव नहीं होगा, ये तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट अगर मैं सिर्फ ऐसे करके इसको रन करता हूं तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो प्लस हम यूज करते हैं ये जावास्क्रिप्ट में शॉर्ट हैंड है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं ऐसा करके प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे एनएन देखने को मिलेगा। इसे मैं कंसोल कर लेता हूं। ठीक है, देखो एनएन देखने को मिला, क्यों? क्योंकि ये जो प्लस ऑपरेटर है इसने इस फंक्शन बॉडी को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की और वो कर नहीं पाया, तो उसे एनएन मिला। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा, तो मुझे मेरा फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो सबसे कॉमन वे है उसमें हम यही करते हैं, लाइक मून ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ये बहुत ही रेयर है कि तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिले, बट अगर कभी भी दिखे तो नाउ यू नो कि हो क्या रहा है। स्टैंडर्ड वे ये है, हर जगह लोगों को ऐसे ही दिखता है कि ये भाई ये इफी है, दैट्स इट। अब इफी की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो इफी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब से जावास्क्रिप्ट बनी है। अब जावास्क्रिप्ट में बस दो ही टाइप के स्कोप एग्जिस्ट करते हैं, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। अब जावास्क्रिप्ट के ना जो फाइल एग्जीक्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जावास्क्रिप्ट की 15 फाइल्स हैं, जब वो डाउनलोड होके एग्जीक्यूट होंगी तो वो एक सिंगल फाइल बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी फाइल है app2.js, यहां पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूं फ्रॉम अनदर फाइल। ठीक है, और इसको मैं एक्सेस करता हूं यहां पे console.log फ्रॉम अनदर फाइल, और इंडेक्स एचटीएमएल में चलते हैं
ऐप टू को भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो अब मैंने ऐप जेएस में जो कोड मैंने दूसरी फाइल में लिखा था वो भी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब तुम ऐसे समझो कि भाई जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का ही सारा गेम है, हम इतनी सारी लाइब्रेरीज ऐड करते हैं। अब अगर भाई हर लाइब्रेरी अपना कोड ऐड कर रही है, इतने हाई चांसेस हैं कि हम सेम नाम के वेरिएबल यूज कर लें कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो। तो हम इफी यूज करते हैं सो दैट मैं अपने कोड को दूसरे पार्ट ऑफ कोड से अलग कर सकूं, मैं बेसिकली एक अपना प्राइवेट स्कोप क्रिएट कर सकूं। अब अगर मैं इस इफी के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करता हूं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट या वेर से बना लेते हैं, वेर एक्स वेर वाई, सो अब ये वेर एक्स वेर वाई मेरे फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है, इनको मैं फंक्शन के बाहर नहीं। अगर मैं यहाँ पे कोई और वेर एक्स बनाता हूं, वो ये वाला एक्स और ये वाला एक्स दोनों ही डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल समझ लो इनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया है, ये पीस ऑफ कोड आउटर पीस ऑफ कोड से एकदम अलग है। अब ये क्या करेगा, बाहर के स्कोप को ये टच भी नहीं करेगा और कोई भी ना नेम कॉन्फ्लिक्ट या स्कोप कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो हम इफी सिंपली बस इसी रीजन की वजह से यूज करते हैं अपने स्कोप को अलग करने के लिए, और हम आउटर स्कोप को पॉल्यूट ना करें इसलिए। कोई क्वेश्चंस? सर इसके लिए तो स्कोप्स का यूज भी तो कर सकते हैं ना, जैसे लेट वेयर कॉन्स्ट। अब भाई लेट वेयर ये 6 में आए हैं, जावास्क्रिप्ट 1990s से चल रही है। ओके ठीक है, लेट तुम अभी इंट्रोड्यूस हुआ ना लेट, तो 2000 मतलब आई डोंट नो एग्जैक्ट ईयर, बट ये 6 में आया है ना वेयर और लेट। राइट, अब अगर किसी को 1990 में स्कोपिंग अचीव करनी होती तो वो कैसे करता, कोई तरीका ही नहीं था। तो इफी यूज करते हैं, इफी का सिर्फ यही पर्पज है प्राइवेसी ऑफ कोड, दैट्स इट, सो दैट मैं आउटर स्कोप को पॉल्यूट ना कर सकूं। अभी अगर मैं इस कोड को मैंने जो मेरा ये वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो पहले लोग क्या करते थे, जितनी फाइल्स होती थी सबको इफी में रखते थे, सो दैट ये जो नेम कॉन्फ्लिक्ट है ना ये ना हो। नहीं तो खुद ही देखो ना, अगर अगर मैक्सिमम लोग आई थिंक रिएक्ट में काम कर रहे होंगे, अगर जावास्क्रिप्ट में भी काम कर रहे होंगे, 80% हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं कि पूरा नोड मॉड्यूल लाइब्रेरी से भरा पड़ा है। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब 2% कभी सेम वेरिएबल का नाम ना सोचे। अगर मैं लाइक फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी बना रहा हूँ जिसमें जो पर्सन से रिलेटेड है, तो सब पर्सन नाम के वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज सेलेक्टेड है कि नहीं तो उसके लिए सिंपली इज सेलेक्टेड। अब अगर 10 लाइब्रेरीज हैं, 10 में से 10 ने यही नाम रखा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ। तो हम इफी यूज करते हैं। ठीक है, और इफी का सिंटैक्स, हाँ बताओ। सर एक डाउट था, इफी के प्रेसिडेंस में कुछ चेंज हो सकता है, इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा हो नॉर्मल फंक्शन से, ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। बोलो गाइस, मतलब और कोई डिफरेंस या सॉरी और कोई क्वेश्चंस या और समझना है, लाइक कुछ भी क्लियर ना हो तो लाइक यू कैन आस्क। सर जैसे आपने बोला कि फंक्शन बहुत ज्यादा बनाओ कोड में, तो इफी फंक्शन हमने बना लिया, आप बता रहे हो कि इफी फंक्शन का स्कोप लिमिटेड रहता है, ठीक है वो सेफ है, तो मतलब अब अपन को क्या करना है, बहुत से फंक्शन बनाए और कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है, तो फिर कहाँ कहाँ पे इफी फंक्शन कहाँ यूज होगा फिर उसका? भाई दोनों चीज को मिक्स मत करो। ठीक है, जो तुमको मैंने पहले बताया कि तुम खूब सारे फंक्शन बनाओ, उसका इफी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इफी बनाओ जाके, इफी तुम तब बनाओगे जब तुम कोई कोड
एक ग्लोबल स्कोप में लिख रहे हो या एक बड़ी सी फाइल में लिख रहे हो और तुम नहीं चाहते कि वेरिएबल नेम कॉन्फ्लिक्ट हो, तब तुम इफी बनाओगे, ठीक है। इसलिए एक अनदर कॉन्सेप्ट है, जब तुम किसी लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, ठीक है, तुम इफी तुम बस एक ही बार बनाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम बार बार इफी ही बनाओगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रहा हूँ लोडैश, लोडैश लाइब्रेरी सभी ने सुनी होगी, मोस्ट ऑफ द लोगों ने, अगर नहीं सुनी तो ऐसे समझ लो सिंपली हम कोई एक अपनी लाइब्रेरी बना रहे हैं, माई लाइब्रेरी, इसका काम कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी करे, जो भी मैं मतलब जो भी हम चाहते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इफी बनाऊंगा, मैं अपना कोड डायरेक्टली लिखना नहीं शुरू कर दूंगा, मैं अपना कोड एक इफी बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना कोड लिखूंगा, अगर मुझे कुछ रिटर्न करना होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, नहीं रिटर्न करना होगा तो मैं सारा काम अपना इस इफी के अंदर करूंगा। इफी का बस बस एक ही रीजन है कि तुम आउटर स्कोप को पॉल्यूट ना करो, दैट्स इट, ठीक है। जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो अपनी जगह है, इफी अपनी जगह है, तो दोज आर टू सेपरेट थिंग्स, डोंट मिक्स देम। मैंने बोला 1000 फंक्शन बनाओ, मैंने ये नहीं बोला 1000 इफी बनाओ। अगर तुम्हें फंक्शंस को ब्रेक करना है तो तुम नॉर्मल फंक्शंस बनाओगे, तुम इफी नहीं बनाओगे खूब सारे, दोनों का यूज केस एकदम अलग है। अभी क्लियर हुआ थोड़ा? यस सर, ओके। सर इसमें जैसे इफी है, इसमें ये इमीडिएटली इनवोक हो जाते हैं, तो नॉर्मल फंक्शन में तो वी डिसाइड व्हेन वी वांट टू कॉल देम, राइट। तो इफी तो उसका यूज केस सिर्फ इतना ही नहीं है कि मान लो जब 8वीं लाइन पे सिंक्रोनस कोड जब जाएगा तो इमीडिएटली वो इनवोक हो जाएगा एंड वी गेट द डिजायर्ड आउटपुट, यस, राइट। तो ऐसे प्राइवेसी ऑफ स्कोप का मतलब समझ नहीं आया, मतलब बोथ आर डिफरेंट थिंग, राइट। इफ वी वांट टू इनवोक इमीडिएटली देन वी हैव टू यूज इफी। देखो अगर मैं इस कोड को यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये भी तुरंत चल जाएगा, राइट राइट, ये भी तुरंत चल जाएगा, राइट, कोई कॉल अलग से नहीं करना, राइट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अब अगर मैं यहाँ पे वेयर एक्स इज इक्वल टू करता हूँ 8, अब मैंने इसको चेंज कर दिया, राइट, 23 अब 23 नहीं रहा, अब 8 हो गया है। बट अगर मैंने एक इफी क्रिएट किया होता तो ये एक्स और ये एक्स दोनों अलग ही वेरिएबल होते, ठीक है, ठीक है। तो हम इसलिए इफी लिखते हैं, ये डेवलपर की चॉइस है, ठीक है, कि वो इफी क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो ये फंक्शन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर द स्कोप ऑफ कोड, यस 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 यस, ओके, ठीक है। दिस इज द, एक बार दोबारा बोल दो सभी के लिए, right, so this is the alternative for the scope of the code you are writing, not the replacement of function, not yes, perfect, yes, क्योंकि मैंने starting में बोला ना कि like ये 6 अभी आया, पहले let और const नहीं थे, ठीक है, 2000s में भी नहीं थे let और const, तो ये if ही बस scope को preserve करता है, that's it, इसका normal function से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग ही concept है, ठीक है। तो हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम अब देखेंगे होइस्टिंग, ठीक है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल, मतलब जावास्क्रिप्ट में हमें एक स्पेशल बिहेवियर देखने को मिलता है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिल रही है। तो जावास्क्रिप्ट का ये एक स्पेशल फीचर है कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर होने से पहले एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। हमें हर कई जगह ये सुनने को मिलता है कि भाई होस्टिंग इज मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन, ये समझने के लिए तो सही है लाइक कि हाँ ऐसा हो रहा है, लाइक इन रियलिटी जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसा कर रहा है, बस डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है।
कि जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसा कर रहा है तभी मुझे अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है, बट इन रियलिटी जावास्क्रिप्ट कोड को मूव नहीं करता है, हमारा कोड ऐसे का ऐसा रहता है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट जिस तरह से एग्जीक्यूट होती है उसका नतीजा है कि हमें ऐसा होस्टिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो दो फेजेस में होता है। ठीक है, पहला फेज पार्सिंग, इसको कई नाम से तुम लोग बोलते हैं, रिफर करते हैं, मेमोरी एलोकेशन, कंपाइलेशन, और जो सेकंड फेज है वो है एग्जीक्यूशन। ठीक है, जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है कि कंपाइल्ड लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड होता है, बोथ बोथ। हाँ, तो भाई जावास्क्रिप्ट बोथ है, मतलब लाइक वो इंटरप्रेटेड भी है, कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है। सबसे पहले देखो, हर ब्राउजर का अपना इम्प्लीमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट का, बट ये जो कंपाइलेशन और इंटरप्रेशन का इंटरप्रेटेड या लाइक इनका जो सीन है सब में सेम है। सारे जावास्क्रिप्ट के इंजन क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल डाउनलोड करते हैं, उनको पार्ट्स वगैरह करते हैं, सिंटैक्स वगैरह सब चेक होता है, उसके बाद सबसे पहले फेज में इंटर मतलब पूरी पार्सिंग होती है। तुम्हारा जो कोड होता है पूरा वो टॉप से लेके बॉटम तक पूरा एनालाइज होता है। ठीक है, उसके बाद रन होता है ब्राउजर पे, और जब ब्राउजर पे रन हो रहा होता है तब भी पीछे से कंपाइलर उसको ऑप्टिमाइज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक पीस ऑफ कोड है ऐड फंक्शन, जिसको तुम बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसको एक सेपरेट प्लेस में रख लेगा, समझ लो उसको, और ऑप्टिमाइज कर देगा, कि उसे पता है कि इसके इस कोड के एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो वो उस कोड को स्पेशल तरह से ट्रीट करेगा। इसीलिए आजकल हम क्या लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने सारी चीजों को एकदम ही मॉड्यूलर कर रखा है, पूरे फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के जो इंजन है उसको तुम्हारे कोड को प्रिडिक्ट करने में बहुत बहुत आसानी होगी। उसको पता है कि भाई ये तुम्हारी फाइल है, इसमें 20 फंक्शन है, बट 20 में से बस तुम 10 फंक्शन कॉल कर रहे हो, तो वो 10 फंक्शन को स्पेशली ट्रीट करेगा, उनको समझ लो एक ऐसी मेमोरी में रख देगा जहां से वो इजिली एक्सेसिबल है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शंस बनाएंगे ही नहीं तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा कोड इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नॉट इम्पॉर्टेंट है। वो पता करने की कोशिश करेगा, मे बी उतना एफिशिएंटली ना पता करे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जावास्क्रिप्ट बोथ इंटरप्रेटेड भी है और कंपाइल लैंग्वेज भी है। तो जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन होता है वो दो फेज में होता है। ठीक है, सबसे पहला जो फेज होता है उस फेज में हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो डाउनलोड होता है। सेकंड, उसमें टोकनाइजर करके कुछ एल्गोरिदम लगता है जो क्या करता है कि जो भी बाइट्स हमारे पास, जो भी डेटा आता है वो 0101 के फॉर्म में आता है। तो ये 0101 पहले कैरेक्टर्स बनते हैं, ठीक है, सी एच जो भी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनता है, जहां पे हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अपने सारे कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वेयर एक्स इज इक्वल टू 9 लिखा है, तो ये अगर इसका एएसटी बनेगा तो सिंपली कुछ ऐसे बनेगा, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद नेम एक्स वैल्यू इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से इसका एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री फॉर्म होगा, और फिर उसके बाद पार्सिंग होगी और मेमोरी एलोकेशन वाला फेज होगा। ये वाला फेज जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, हमारे कोड को रीड करेगा और जो भी वेरिएबल्स, जो भी फंक्शंस हमने बनाए होंगे उनको प्रॉपर इन प्लेस रखेगा। और इसी फेज में हमारा मेमोरी एलोकेशन फेज में ही जो अनडिफाइंड वैल्यूज असाइन होती है वो सारी वैल्यूज असाइन हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हमको लगता है कि लाइक इस वजह से हमें होस्टिंग का फीचर मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक इसे हमें कोड कोड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो अभी मेरे पास सिंपल ये कोड है, ये पीस ऑफ कोड है, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम फर्स्ट फेज खुद से रन करते हैं, ठीक है। जब भी जावास्क्रिप्ट का लाइक एग्जीक्यूशन फर्स्ट फेज में होगा, लाइन नंबर 19 पे आएगा और इसे देखेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन है शो, तो यहाँ पे सिंपली जावास्क्रिप्ट मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट करेगा शो, और इसमें वो सिंपली फंक्शन बॉडी को सेव कर देगा, ठीक है। दैट्स इट, अभी कोई एग्जीक्यूशन कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद हम आएंगे लाइन नंबर 25 में, यहाँ पे हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन नंबर 25 पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले हमारा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, ठीक है। और जैसे ही ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, हमारा एक स्कोप क्रिएट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली जो भी कोड हमने फंक्शन के अंदर लिखा है, वो फंक्शन को रीड करके जो ये स्कोप है ये क्रिएट हो जाएगा, और इस स्कोप को पता है कि मेरे अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और अगर जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो भी इस फेज में असाइन हो जाएगी। अगर कोई वेरिएबल हमने वैर से बनाए हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब जब हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, जब हम लाइन नंबर 20 में जाएंगे, हमने सिंपली कंसोल डॉट लॉग किया है और एज वेरिएबल है। जब एज पे हम आएंगे तो जावास जो ब्राउजर है, समझ लो ब्राउजर जावास्क्रिप्ट इंजन से पूछेगा कि ये एज कहाँ है, मैं इसे कहाँ ढूंढूं, मैं शो फंक्शन के अंदर हूं। अब शो का एक अलग से ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना है, अलग से ही स्कोप है। तो हाँ, ब्राउजर सिंपली जेएस इंजन से पूछेगा कि मुझे इस एज की वैल्यू लाके दो। अब जेएस इंजन को ऑलरेडी पता है कि मेरे स्कोप में एज वेरिएबल है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है अनडिफाइंड, तो सिंपली जो जेएस इंजन है वो ब्राउजर को अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। इस रीजन से अपने को अनडिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर हमने लेट कीवर्ड बनाया होता, ठीक है, तो लेट कीवर्ड में इस फेज में क्या होता, वेरिएबल तो बन जाता, ठीक है, बट उसकी कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट इंजन को पता है कि शो फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है लेट, उसकी वैल्यू मैंने अन इनिशियलाइज रखी हुई है। अब अन इनिशियलाइज क्यों रखी है, इसका जो रिलेशन है वो है कॉन्स्ट कीवर्ड से। लेट और कॉन्स्ट ES6 में आए थे। अब जो कॉन्स्ट वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू को हम री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है कॉन्स्ट यूज करके, ठीक है, और अगर मैं इसको दोबारा चेंज करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता, मुझे एरर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कैन नॉट चेंज अ कॉन्स्ट वेरिएबल। तो जब जावास्क्रिप्ट के मतलब कॉन्ट्रीब्यूटर्स इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लेट को भी दे दी कि भाई लेट को भी हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो कॉन्स्ट को इनिशियलाइज कर दे, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स्ट होता, ठीक है, अगर मैंने डिफॉल्ट में इसको इनिशियलाइज कर दिया अनडिफाइंड से और फिर जाके मैं उसको 99 असाइन करूं, तो कॉन्स्ट का पूरा मतलब ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से लेट और कॉन्स्ट इनिशियलाइज नहीं होते हैं। लेट समझ लो सात, अगर कॉन्स्ट को इनिशियलाइज नहीं कर रहे थे लोग, तो सिंपली बोला कि चलो लेट को भी नहीं करते क्योंकि हम दोनों को एक साथ रिलीज कर रहे हैं, दैट्स इट। यही रीजन है कि लेट भी इनिशियलाइज नहीं होता, और जब हम सिंपली अन इनिशियलाइज वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो एरर आ जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। टेम्पोरल डेड जोन सिंपली मेमोरी का एक ऐसा एरिया है जहां पे जावास्क्रिप्ट इंजन को तो पता है कि कोई वेरिएबल है इस नाम का, बट उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो सारी चीजें मिलके हमें एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती हैं जिसको हम बोलते हैं होइस्टिंग। और होइस्टिंग में नॉर्मली लोग इसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि लाइक मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन। ये समझने के लिए बहुत आसान है, ठीक है, मतलब आप लोग भी अगर होस्टिंग समझना चाहो लाइक बहुत ही जल्दी, तो सिंपली ये मेंटल मॉडल एकदम सही है कि जो भी डिक्लेरेशन पार्ट है वो फंक्शन के टॉप में मूव हो जाती है।
बट अगर कोई इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पूछे अगर कभी इंटरव्यू में हो तो सिंपली ये चीज बता सकते हो कि डिक्लेरेशन वगैरह कुछ मूव नहीं होती है जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, स्कोप्स क्रिएट होते हैं, उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट इंजन हमारे कोड को रीड करके जो भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए होते हैं वो ऑलरेडी उनको स्कोप में अटैच कर देता है विथ डिफॉल्ट वैल्यू। अब जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं उनको तो पता है कि अगर कोई वेरिएबल वेयर से बना है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होगी, अगर लेट से बना है तो हमें इनिशियलाइज नहीं करना, तो ये सारी चीजें मिलके होस्टिंग बनती है। ठीक है, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, तो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जो डिक्लेरेशन पार्ट है वो समझ लो टॉप में मूव होता है, फंक्शंस के केस में सारी फंक्शन बॉडी ऊपर मूव हो जाती है। अब अगर इसको मैं रन करता हूं तो देखोगे कि मेरा फंक्शन, ये जो मेरा फंक्शन है एकदम सही काम कर रहा है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट फंक्शन बॉडी को ही टॉप में मूव कर देता है। ठीक है, अगेन ये बस समझने के लिए है, इंटरनली जब स्कोपिंग वगैरह होगी तो जावास्क्रिप्ट को पता है, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई है, कि भाई अगर ये वेयर है तो मुझे स्कोप, अभी मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू दिखा भी दूंगा, ठीक है, कि कैसे स्कोप फंक्शन में अटैच हो जाता है। हाँ, कि अगर जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स है उनको पता है कि भाई ये वेरिएबल मैंने वेयर से बनाया है तो मैं फंक्शन डॉट स्कोप डॉट एज इज इक्वल टू अनडिफाइंड, फंक्शन डॉट स्कोप डॉट शो इज इक्वल टू फंक्शन बॉडी। ये जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने ही ऐसा किया है, लाइक ये इस तरह से, तो इस वजह से अपने को लगता है कि कुछ मूव हो रहा है, बट इन रियलिटी ये सब पार्सिंग कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का नतीजा है। ठीक है, कि ऐसा होता है, ये हम चेक भी कर लेते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट बीआईआर, एक स्पेशल मेथड है कंसोल पे जो हमें फंक्शंस के इंटरनल्स देखने में हेल्प करता है, तो इसमें चलते हैं, यहाँ पे एक स्कोप है। ठीक है, ये देखो, तो हर फंक्शन, जो भी फंक्शंस होते हैं सब में एक स्पेशल की होती है स्कोप। ठीक है, ये स्कोप सारी चीजों को अपने पास रखता है, वो फंक्शन बाहर मतलब अपने आउटसाइड क्या क्या चीजें एक्सेस कर रहा है, वो सारी चीजें इस स्कोप में डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो जिस टाइम पे ये सारी चीजें डिफाइन होती हैं कि आउटसाइड क्या क्या एक्सेस कर रहे हैं, उसी टाइम पे इनसाइड क्या क्या है वो भी डिसाइड हो जाता है। तो अब बताओ भाई, अब डिस्कस कर लेते हैं, लाइक अगर कुछ भी डिस्कस करना है तो। सर, होस्टिंग के प्रोस एंड कॉन्स क्या होंगे? कोई प्रोस कॉन्स नहीं है, ये लैंग्वेज का फीचर है। ठीक है, इसका बस, हाँ, ये इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है, अगर तुम कभी भूल गए, लाइक अगर तुम्हें नहीं पता तुम किसी दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हो, ठीक है, तुमको ये बिहेवियर नहीं पता तो अनइंटेंशनली बग्स आ सकते हैं, तुम्हें पता नहीं होगा कि ये बग क्यों आ रहा है, डिबग करने में प्रॉब्लम होगी, दैट्स इट। ये एक फीचर है, ठीक है, लाइक जावास्क्रिप्ट का, इसको हम डिसेबल भी कर सकते हैं सिंपली यूज स्ट्रिक्ट यूज करके। ऐसा करके जब मैं करूंगा तो सिंपली मुझे एरर देखने को अच्छा नहीं आ रही। ओके, ये इस पे काम नहीं करेगा, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स पे ये काम करता है, आई थिंक। यस,
लैंग्वेज का ही फीचर है भाई, इसका कोई डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं है। इसका तुम किस तरह से लेवरेज कर लेते हो, ये बस तुम्हें हेल्प करेगा एक अच्छा कोड समझने में, अच्छे से कोड को डिबग करने में। अगर तुम किसी दूसरे पर्सन का कोड रीड कर रहे हो, ऐसा कोड लिखा हुआ है, तो तुम समझ सकते हो कि अच्छा ये एरर नहीं आ रही, वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। ओके ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं होस्टिंग पे, सो दैट ये क्लियर। देखो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेंटल मॉडल के लिए ये समझ लो कि मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन, टॉप ऑफ द फंक्शन मतलब इस जो भी फंक्शन है उसके टॉप में डिक्लेरेशन मूव हो जाती है। समझने के लिए अगर कोई क्वेश्चन होस्टिंग पे आता है तो ठीक है, अगर किसी इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये बता दो लाइक कि मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन, बट उसके साथ साथ ये भी बता दो कि कोई फिजिकल कोड मूव नहीं होता, पार्सिंग के टाइम में जावास्क्रिप्ट इंजन कोड को रीड करके सारे स्कोप्स को एनालाइज करके जो भी वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यूज है वो ऑलरेडी फंक्शन में बाइंड कर देता है। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से हमको लगता है कि अच्छा डिक्लेरेशन टॉप में चली गई है, बट ऐसा होता नहीं है। हाँ बताओ, अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा? अनडिफाइंड देखने मिलेगा, अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। और कोई पॉसिबल आंसर्स? हाँ सर, कंसोल मिलेगा। ठीक है, और कोई पॉसिबल आंसर्स? ओ आई थिंक एरर देखने को मिलेगी। ओके ठीक है, अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? मेरा था एरर। सर डायरेक्ट हमने फंक्शन को कॉल किया है और उसके अंदर कंसोल ही डिफाइन कर दिया है, तो कॉल हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं तो कोई चेंज आएगा? सर नहीं आएगा। तो हाँ ठीक है, तो देखो पिछले टाइम में एरर क्यों नहीं आई पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि वो वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन टॉप में मूव करता है और फंक्शंस की होल बॉडी मूव कर देता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि यहाँ पे पहले मैंने शो फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, उसके बाद सेम नेम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, तो अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस शो की वैल्यू को डिफाइन कर दिया है कि जो मेरा ये शो है, जावास्क्रिप्ट सिंपली क्या करेगा, कोड को रीड करेगा जब पार्सिंग फेज में होगा, उसको एक फंक्शन मिलेगा शो नाम से, तो उसने क्या किया, सिंपली फंक्शन डॉट स्कोप डॉट शो इज इक्वल टू फंक्शन बॉडी उसने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसको मिला ये लाइन, ये अभी पार्सिंग फेज है, ठीक है, एग्जीक्यूशन नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ पार्सिंग। उसके बाद उसे मिली लाइन नंबर 12, वहां पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट सिंपली देखेगा ओ अच्छा मेरे स्कोप में तो ऑलरेडी शो है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट तो ये अपना एग्जीक्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सिंपली हमें कंसोल देखने को मिल गया। अब सेकेंड फेज,
सेकंड क्वेश्चन जहां पे मैंने ये किया था, इस केस में क्या होगा, जावास्क्रिप्ट ने फंक्शन को असाइन कर दिया शो में, जब लाइन नंबर 12 आया तो यहाँ पे हम सेम वेरिएबल में 9 डाल रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट देखेगा वो अच्छा यहाँ पे शो में पहले फंक्शन पड़ा है, तो वो सिंपली इस फंक्शन को हटा के यहाँ 9 कर देगा, और जब हम शो को कॉल करेंगे तो शो की जो वैल्यू वो 9 हो चुकी है, तो हमें 9 देखने को मिले, सॉरी इस वजह से हमें एरर देखने को मिल रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्या देखने को मिलेगा, फंक्शन को कॉल नहीं किया फर्स्ट आपने। अच्छा ठीक है, कॉल कर लेते हैं, अनडिफाइंड आना चाहिए। ठीक है, और कोई सर नंबर आएगा। ठीक है, और कोई नंबर आएगा। ठीक है चलो रन करते हैं, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। तो अब नंबर जिनने बोला था वो बताएंगे नंबर क्यों लग रहा था कि नंबर आएगा। वेरिएबल मेरा आइडिया ऐसा था कि वो टॉप पे डिक्लेयर होंगे। सिर्फ डिक्लेरेशन जाती है ना भाई, मूविंग दी डिक्लेरेशन टू दी टॉप ऑफ द फंक्शन, जब इसकी पार्सिंग होगी तो पार्सिंग केस में ऐसा कुछ होगा राइट, फंक्शन डॉट स्कोप डॉट, यहाँ शो कर देते हैं, चलो शो डॉट स्कोप डॉट एज इज इक्वल टू अनडिफाइंड, डिक्लेरेशन मूव होती है टॉप में, इट्स लाइक दिस नॉट नॉट द वैल्यू। ठीक है, क्योंकि जो स्कोप अटैच होता है हम वैल्यूज को नहीं डालते हैं स्कोप में, सिर्फ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब तक कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें क्या वैल्यू है। सो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने ये रिस्ट्रिक्शन ऐड की हुई है कि हम बस डिक्लेरेशन को स्कोप में अटैच करेंगे पार्सिंग फेज में। ठीक है, इसे मैं कर देता हूं लेट। अब क्या होगा, एरर आएगी। और कोई किसी को लगता और कुछ एरर, एरर आएगी। ठीक है, तो देखो होस्टिंग इन शॉर्ट दो, तुम्हें दो तरह से होस्टिंग को समझना है। ठीक है, सबसे पहला तरीका जो सबसे आसान है, ठीक है, एकदम क्लियर, कोई टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट नहीं, मूविंग दी डिक्लेरेशन, वर्ड्स पे ना बहुत ध्यान दो, ये डिक्लेरेशन मूविंग दी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन नहीं बोल रहा हूं, मूविंग दी डिक्लेरेशन टू दी टॉप ऑफ दी फंक्शन। ठीक है, और इन केस ऑफ फंक्शन होल बॉडी। ठीक है, ये दो चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी कोई भी होस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, जब भी तुम्हें ऐसे थोड़े से वियर्ड लुकिंग क्वेश्चन दिखे, ठीक है, जैसे इस टाइप के, तो तुम्हें वहां पे ये लॉजिक, ये दोनों लॉजिक लगाने हैं। तुम सिंपली अगर कॉपी पेन पे कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, सिंपली तुम डिक्लेरेशन को कट करो, सारी डिक्लेरेशन जितनी भी है टॉप में मूव कर दो उस फंक्शन के। ठीक है, फिर डिसाइड करो कि क्या वैल्यू या क्या आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर वो वेरिएबल वैट से बना है तो अनडिफाइंड डाल दो। ठीक है, और अगर तुम्हें किसी को समझाना है इंटरव्यू में, बेसिकली लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये तो मेंशन ही करो, बट साथ में साथ साथ ये भी बोलो
कि ये जो डिक्लेरेशन का पार्ट है ये फिजिकली मूव नहीं होता, ये जावास्क्रिप्ट के रनिंग बिहेवियर, किस तरह से जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है उस तरह से, मतलब जिस तरह से वो एग्जीक्यूट होती है उस नेचर की वजह से हमको ऐसा लगता है। और हमको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट दो फेज में एग्जीक्यूट होती है। पहला फेज होता है पार्सिंग का, जहां पे जावास्क्रिप्ट के इंजन हमारा पूरा कोड एनालाइज करते हैं और उस टाइम पे वो एनालाइज करने के साथ साथ डिफॉल्ट वैल्यूज को भी एनालाइज वो सेट करके फंक्शन में अटैच कर देते हैं। तो जब कोड एग्जीक्यूट होता है फंक्शन को पता रहता है कि मेरे अंदर इतने वेरिएबल्स हैं और ये उनकी डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो होस्टिंग को हमेशा दो तरह से किसी को भी एक्सप्लेन करो, ये जो पहला तरीका है ये तुम्हारे लिए है समझने के लिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जो दूसरा तरीका है वो सामने वाले को कन्विंस करने के लिए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, ठीक है। जो मैं एग्जांपल बताना चाह रहा था वो मैं सेशन के बाद चेक करके स्टोरी वगैरह में डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना, जिससे क्लियर हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट को कोड रन करने से पहले, कोड रन करने से पहले ही पता हो जाता है कि इस कोड में एरर है, और वो तभी पॉसिबल है जब उसने पूरा कोड रीड किया हो, ठीक है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जावास्क्रिप्ट बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंबाइंड लैंग्वेज है, इसी रीजन की वजह से होस्टिंग पॉसिबल है। हेलो सर। हाँ सर, तो इसको जस्ट इन टाइम से हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो सिर्फ अलग ही पूरा? हाँ यस, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। लाइक अब जस्ट इन टाइम एक वो हो गया ना, लाइक एक तरीका हो गया, ये जो मैं तुमको बोल रहा हूँ पार्सिंग और एग्जीक्यूशन को अटैच वो एग्जीक्यूट करने का, ऐसे समझ लो जस्ट इन टाइम नाम दे दिया गया है पार्सिंग कंपाइलेशन को। जो देखो जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन कई तरह से कंपाइल और एग्जीक्यूट होती है, जो जिट है बाय डिफॉल्ट जिट होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, पहले कोड डाउनलोड होता है, वो टोकनाइजर होता है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनती है, और वो रन टाइम में ब्राउजर में कंपाइल होके रन होता है, ठीक है। तो ये जिट का ही पार्ट है। एक दूसरा होता है एओटी, जो शायद एंगुलर में होता है, जहां पे बिल्ड के साथ साथ ही शायद कुछ कंपाइलेशन वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो हम अगली चीज देख लेते हैं, क्लोजर्स। ये जावास्क्रिप्ट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लोजर। अब ये भी जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल फीचर है समझ लो। और क्लोजर फंक्शन, क्लोजर क्या बोलता है कि लाइक एक ऐसा फंक्शन जिसके पास कुछ प्रिजर्व्ड वैल्यूज हो, वो फंक्शन एक क्लोजर क्रिएट करता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जितने भी फंक्शंस हैं हर फंक्शन क्लोजर क्रिएट करता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ये एक स्पेशल नेचर है जावास्क्रिप्ट का कि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही होता है मेनली। जितने भी फंक्शंस होते हैं सबका अपना एक प्राइवेट स्कोप होता है, एक अपना प्राइवेट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। ऐसे इसे ना एक डायग्राम से हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। जो भी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है सबसे पहली चीज होती है ग्लोबल स्कोप बनता है, ठीक है, ये हमारा ग्लोबल स्कोप है, ठीक है, ये बड़ा सा, इसको चेक भी कर सकते हैं सोर्सेस में जाके, ये जो स्कोप है, स्कोप प्रॉपर्टी जो ये है। मैं क्या करता हूं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा के कोड को वो पॉज कर देते हैं सो दैट अपने को दिख सके, ठीक है।
तो ये देखो, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहली जो चीज बनती है वो बनती है ग्लोबल स्कोप, ठीक है। और ये ग्लोबल स्कोप कब तक मेमोरी में रहता है, जब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट होता रहता है। अभी मैंने अपने प्रोग्राम को लाइन नंबर 7 पे पॉज करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको यहां से हटा के इसको रन कर देता हूं तो देखो कोड रन हुआ और मेरा स्कोप डिलीट हो गया, चला गया, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में स्कोप तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक एग्जीक्यूशन होता रहता है। एक बार सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया तो स्कोप डिलीट हो गया। सबसे पहली चीज जावास्क्रिप्ट में क्रिएट होती है ग्लोबल स्कोप, और उसके बाद अगर हमने 20 फंक्शन लिखे हुए हैं और जब हम उन 20 फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो जावास्क्रिप्ट उन 20 फंक्शन के लिए अलग से स्कोप बनाएगा, ठीक है। ये ठीक है, इतने फंक्शन, हर फंक्शन का अपना स्कोप। और अगर मैंने इन फंक्शन के अंदर भी कोई वो बनाया होता फंक्शन, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट उन फंक्शन के लिए भी स्कोप बनाता। ठीक है, तो ऐसे समझ लो जावास्क्रिप्ट में हर फंक्शन का अपना खुद का स्कोप होता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट एक स्पेशल चीज और करता है, जब भी जावास्क्रिप्ट किसी फंक्शन का स्कोप क्रिएट करता है तो जावास्क्रिप्ट पहले चेक करता है क्या ये फंक्शन अपने अंदर के अलावा कोई और चीज को यूज कर रहा है। अगर आंसर यस होता है तो जावास्क्रिप्ट उस चीज को भी अपने स्कोप में अटैच कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जिनको जो भी अंदर फंक्शन है वो यूज कर रहे होते, तो जावास्क्रिप्ट इन फंक्शन को पॉइंट कर देता अपने फंक्शन के थ्रू। फंक्शंस को पता होता कि मैं आउटसाइड क्या क्या चीजों को यूज कर रहा हूं, और जब एग्जीक्यूशन खत्म होता तो जावास्क्रिप्ट सारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को डिलीट कर देता, सॉरी सारी स्कोप को। ठीक है, इसको हम कोड में चलते हैं। अब यहां पे मैं वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, नेम या एज क्रिएट कर लेते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं शो स्कूल डॉट लॉन्ग एज, डिपार्टमेंट ठीक है। अब देखो यहां पे एक फंक्शन है शो, ठीक है, ये अपने आउटसाइड स्कोप से कुछ एक्सेस कर रहा है, तो जावास्क्रिप्ट जब इस शो फंक्शन का स्कोप क्रिएट करेगा तो वो इस शो फंक्शन से इस एज को बाइंड कर देगा। इसको हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट dir करते हैं, ठीक है, सो दैट हम देख सके। ये देखो स्कोप प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट, जब हम फंक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। अभी अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो हमारे पास देखो एक ग्लोबल स्कोप है, और उस ग्लोबल स्कोप में एक की है एज, और वो एज की अटैच है हमारी स्कोप से। इस वजह से मेरे शो फंक्शन को पता है कि एज को कहां ढूंढना है या कहां सर्च करना है, और यही चीज क्लोजर कहलाती है। एक ऐसा फंक्शन जिसके पास कुछ प्रिजर्व्ड वैल्यूज हो, वो फंक्शन क्लोजर क्रिएट करता है। और वो प्रिजर्व्ड वैल्यूज कहां होती हैं, फंक्शन के स्कोप प्रॉपर्टी में, जो जैसे कि हम यहां देख रहे हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझा देते हैं, समझ लेते हैं। मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ शो फंक्शन के अंदर, टेस्ट,
और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ const अभी मैंने इस टेस्ट फंक्शन को डीआईआर किया है और हम इसके स्कोप में देखते हैं क्या क्या है। अब देखो यहां पे मुझे दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो ग्लोबल स्कोप, क्योंकि ग्लोबल स्कोप हमेशा अवेलेबल रहता है, जैसा कि हमने अपने डायग्राम में देखा था, हमेशा एक बड़ा सा स्कोप क्रिएट होता है जिसको हम ग्लोबल स्कोप बोलते हैं और उसके अंदर सारी चीजें रहती है। तो ऐसे समझ लो ग्लोबल स्कोप को हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि सारी चीजें उस ग्लोबल स्कोप के अंदर ही रहती हैं। तो अभी मैं देखो ग्लोबल स्कोप हो गया, दूसरा क्या क्लोजर यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे वो वेरिएबल है जो ये फंक्शन एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो अब इस टेस्ट फंक्शन को पता है कि मुझे सेल वेरिएबल को कहाँ ढूंढना है, मैंने उस वैल्यू की इंफॉर्मेशन अपने स्कोप प्रॉपर्टी में अटैच कर ली है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लोजर का, और क्लोजर का जो यूज है वो सिंपली डेटा की प्राइवेसी के लिए है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई डेटा यूजर को, यूजर मतलब मेरा जो कोड यूज करे उसको मैं अवेलेबल नहीं कराना चाहता, तो वो मैं अचीव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एक फंक्शन है शो, अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है नेम js। अब मैं चाहता हूं कि जो भी शो फंक्शन को यूज करे वो नेम को रीड कर पाए बट इसको चेंज ना कर पाए, तो मैं यहाँ पे इस शो फंक्शन से फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न फंक्शन रिटर्न नेम। यहाँ मुझे नेम js देखने को मिल रहा है। अब मैं इस नेम को चेंज नहीं कर सकता बट मैं बस इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये है क्लोजर पूरा जो जावास्क्रिप्ट में है। इसमें लाइक कोई क्वेश्चन? राहुल, आपका कंसर्न जैसे एक नॉर्मली इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन है, सो आउटर फंक्शन कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ इनर फंक्शन कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ आउटर फंक्शन वेरिएबल, सो जो इसमें सिमिलरिटीज है ना, कुछ अलग तो नहीं है? और जैसे नेस्टेड फंक्शन रहते हैं, सबसे पहली चीज आउटर फंक्शन इनर फंक्शन की चीजों को नहीं एक्सेस कर सकता है। ना एक्चुअली आई स्पोक रॉन्ग, जो आउटर फंक्शन है ठीक है उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर है और उसी के अंदर एक इनर फंक्शन है, तो वो जो आउटर फंक्शन का जो वेरिएबल है जो इनर में वो यूज कर पाएंगे, दैट इज क्लोजर, दैट इज द कॉन्सेप्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक फंक्शन है उसके अंडर नेस्टेड फंक्शन है, सो वो क्लोजर जो इनर फंक्शन है उसके अंदर भी जो ग्लोबल ग्लोबल स्कोप और ये क्लोजर हर फंक्शन का खुद का होता है, तो वो अलग अलग जितने भी नेस्टेड फंक्शन है सबका अलग अलग क्रिएट होगा क्या? यस यस, जावास्क्रिप्ट में जितने फंक्शन होंगे उतना दो टर्मिनोलॉजीज सुनने को मिलेंगी, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और स्कोप, सब आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। हर फंक्शन का अपना खुद का स्कोप होगा, ठीक है। ये हम चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन शो टू,
इतने वेरिएबल्स मैंने बना लिए, अब सिंपली हम हर फंक्शन में आउटर फंक्शन का एक्सेस कर लेते हैं, नेम टू थ्री नेम फोर, ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं और कंसोल लॉग इसके अंदर ठीक है, यहाँ पर मुझे DIR करना पड़ेगा। देखो शो ट्री फंक्शन आया और इसके अंदर स्कोप है चार। अब यहाँ पर देखो ये दो क्लोजर बने हुए हैं, नेम वन और नेम टू, ठीक है, नेम वन और नेम टू, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो इसको थोड़ा स्पेसिंग कर देते हैं, जो शो ट्री फंक्शन है ये दो वेरिएबल्स एक्सेस कर रहा है, ठीक है, नेम टू जो कि शो टू फंक्शन के अंदर है, और ये देखो शो टू फंक्शन के अंदर नेम टू और शो फंक्शन के अंदर नेम वन, शो फंक्शन के अंदर नेम वन। तो जितने फंक्शन होंगे हर फंक्शन का खुद का स्कोप होगा, नहीं तो फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि मैं किन किन चीजों को एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। अब इनके अंदर जो फंक्शन है इनका खुद का नेस्टेड बना होगा खुद का, हाँ यस यस। अगर मैं देखो कंसोल डॉट लॉग शो फोर में चलते हैं, यहाँ पर मैं DIR कर देता हूँ शो फोर को, ठीक है, इसको कॉल करना पड़ेगा, ये गेट नेम कहाँ है, गाइड करना मुझे दिख नहीं रहा, नीचे नीचे जाइए गेट नेम, ये है क्या, शो फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, शो थ्री आ गया 17। अब यहां से ठीक है शो फोर इसको DIR करते हैं, ठीक है, तो शो फोर देखो चार स्कोप है, शो थ्री शो टू शो, तो इस तरह से नेस्टिंग चलती जाती है, और देखो जैसे जैसे एग्जीक्यूशन खत्म होगा वैसे वैसे स्कोप खत्म होते जाते हैं, जब शो फोर फंक्शन खत्म हो जाएगा तो इसका जो स्कोप है वो डिलीट हो जाएगा, शो थ्री जब खत्म हो जाएगा तो इसका स्कोप डिलीट हो जाएगा, तो स्कोप मेमोरी में तब तक ही रहते हैं जब तक एग्जीक्यूशन होता रहता है, एग्जीक्यूशन खत्म स्कोप खत्म। सर एक डाउट था, यही सेम कोड है और ऊपर मैंने अगर वेरिएबल एक हॉइस्ट किया है लेट सॉरी नेम इक्वल टू रिएक्ट, तो वो नहीं अगर हॉइस्ट किया है फंक्शन के ऊपर, तो ये वेरिएबल क्लोजर में आएगा या ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आएगा, ये हॉइस्टेड वेरिएबल यहाँ पे जो है ये इनकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ, अगर मैं उनका वायर निकाल दूँ और हॉइस्ट कर दूँ एज इक्वल टू, कैसे करोगे? अगर मैं उनको नहीं होती है, देखो ना होस्टिंग नहीं होती है, होस्टिंग बस टॉप में मूव होती है, तुम अगर जैसे ये अगर जो शो टू फंक्शन है यहाँ पे तुम वायर से बनाओगे तो ये शो फंक्शन के अंदर ही रहेगा, ये कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये शो के अंदर ही रहेगा। अब अगर तुम इस शो फंक्शन के अंदर कुछ वायर बनाते हो तो जो होस्टिंग होगी वो ऑलरेडी टॉप ऑफ द फंक्शन है, यही टॉप है इस शो फंक्शन का, हर फंक्शन का खुद का स्कोप होता है, हर फंक्शन खुद के वायर्स को अपने अंदर ही होस्ट करता है।
अब ये जो नेम टू है इसका ये मतलब नहीं कि यहां से हटके यहां आ जाएगा, ये अपने फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ओके ओके ठीक है ठीक है। एक ना क्विकली एक क्लोजर का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लोजर की प्रॉब्लम क्या होती है। सो क्लोजर हम यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए, डेटा प्राइवेसी अचीव करने के लिए, बट इसका एक डिसएडवांटेज है स्टेल यूजर। जो जो लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि हम सेट टाइम आउट में कोई फंक्शन पास करते हैं और जब स्टेट अपडेट करते हैं या स्टेट गेट करते हैं तो हमें प्रीवियस स्टेट मिलती है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हमें इस वजह से मिलती है क्योंकि हम प्रीवियस एग्जीक्यूट हो चुके फंक्शन को एक्सेस करते हैं, मतलब स्टेल क्लोजर। एक ऐसा फंक्शन जो एग्जीक्यूट हो चुका है बट हम अभी भी इसके रिजल्ट को मेमोरी में रखे हुए हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं सिंपली एक फंक्शन यहां बना लेता हूं, फंक्शन फॉर एग्जांपल मैनेजर। ठीक है, और यहां पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं काउंट जीरो और कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू स्कोर इज काउंट। ठीक है, और अब ये जो फंक्शन है ये सिंपली एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, रिटर्न फंक्शन, और इस फंक्शन का काम है सिंपली काउंट को प्लस प्लस करना। काउंट जस्ट अ सेकंड, काउंट प्लस प्लस ऐसे करते हैं, दो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन मैसेज और एड प्लस काउंट प्लस प्लस। ठीक है, और इस फंक्शन से हम रिटर्न कर देते हैं प्रिंट को और एड को। ठीक है, हमने दोनों फंक्शन को रिटर्न कर दिया है, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैनेजर डॉट एड, पहले मैं प्रिंट कॉल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है, स्कोर की जीरो, तो हमें जीरो देखने को मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, एड फंक्शन को कॉल करता हूँ, ओबीजे डॉट एड, तीन चार बार कॉल कर लेते हैं। सॉरी यार, नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। कहाँ तक थे हम लोग, कहाँ तक सुना है? कंसोल लॉक किया था काउंट को। हाँ ठीक है, यस। हाँ, तो मैंने सिंपली प्रिंट कॉल किया एक बार, जिसका आउटपुट ब्राउजर पे दिख रहा है, स्कोर इज जीरो। फिर मैंने चार बार एड कॉल किया और फिर प्रिंट कॉल किया। बताओ, स्कोर इज फोर आएगा, और कोई आंसर? ठीक है, तो जब इसको हम रन करेंगे हमें स्कोर अभी भी जीरो ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब जीरो क्यों, देखो फोर हमें इस वजह से नहीं मिला क्योंकि ये जो प्रिंट फंक्शन है इसने मैसेज को बस एक ही बार कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, मैं एड फंक्शन को बार बार कॉल कर रहा हूँ, ये काउंट को इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, बट जो प्रिंट फंक्शन है ये ओल्ड वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। जो मेरा मैसेज है वो बस एक ही बार क्रिएट होगा जब ये मैनेजर फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद मैसेज दोबारा बना ही नहीं। ठीक है, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो ये कि मैं इसको लेट कर दूं, ठीक है, और इसको मैं हर काउंट के बाद इंक्रीज करूं। ठीक है, अब जब ऐसा करके मैं रन करूंगा तो देखो मुझे सही आउटपुट मिल रहा है, मेरा स्कोर इंक्रीज हो रहा है। ये पहला सॉल्यूशन है।
क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर बार अपने मैसेज को अपडेट कर दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि मैं इस कोड को अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर मूव कर दूं, सो दैट जितनी बार मैं प्रिंट फंक्शन कॉल करूं एक नया मैसेज क्रिएट हो और मैं हमेशा अपडेटेड वैल्यू को यूज करूं। ऐसा करके भी जब मैं कोड को रन करूंगा तो देखो सही आउटपुट मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है स्टेल क्लोजर, क्लोजर की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है। तो जल्दी से एक और अच्छा सा ना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम क्लोजर का सॉल्व कर लेते हैं। फंक्शन मैनेजर इसमें जीरो फंक्शन इंप्लीमेंट प्लस और ये देखो एक मेरे पास फंक्शन है मैनेजर, ठीक है। ये फंक्शन मुझे एक सिंपली ये रिटर्न इंक्रीमेंट फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इंक्रीमेंट फंक्शन अगेन एक प्रिंट फंक्शन को रिटर्न कर रहा है जो सिंपली मैसेज को प्रिंट कर रहा है। अभी देखो मैंने मैनेजर फंक्शन को कॉल किया तो ये जो वेरिएबल है इसमें मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन आ गया, ठीक है। इंक्रीमेंट फंक्शन अभी मैंने इसको कंसोल किया तो इंक्रीमेंट फंक्शन, ठीक है, जो मेरा इंक्रीमेंट फंक्शन है वो मुझे देखने को मिल गया है। अभी मैं इस इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करता हूं तो देखोगे मुझे प्रिंट फंक्शन मिल रहा है देखने को, ये जो प्रिंट फंक्शन है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ प्रिंट fn, ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन है और मैं प्रिंट फंक्शन को अब कॉल करता हूँ। स्कोर इज वन, ठीक है, स्कोर इज वन हो गया, राइट। उसके बाद 23 कौन सी लाइन है? अच्छा यहाँ पे मुझे कंसोल नहीं करना, ठीक है, एक बार इस कोड को देख लो और सो दैट एटलीस्ट हम ये समझ जाएं कि कोड कर क्या रहा है। ठीक है, सिंपली एक फंक्शन है मैनेजर जो कि एक इंक्रीमेंट फंक्शन को रिटर्न कर रहा है और इस इंक्रीमेंट फंक्शन में हम काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं, सिंपली मैसेज वेरिएबल है, और एक और फंक्शन है प्रिंट जो मैसेज को प्रिंट कर रहा है। तो अभी जब मैंने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया तो स्कोर इज वन देखने को मिला, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया तो इस इंक्रीमेंट फंक्शन ने काउंट को इंक्रीज कर दिया। अभी मैं क्या करता हूं, इस इंक्रीमेंट फंक्शन को कई बार कॉल करता हूं, और फिर प्रिंट को कॉल करता हूं। तो अभी बताओ थोड़ा सोच के क्या देखने को मिलेगा। आई थिंक वन ही देखने को मिलेगा क्योंकि इंक्रीमेंट फंक्शन में क्योंकि एवरी इंक्रीमेंट फंक्शन रिटर्न अ प्रिंट फंक्शन इटसेल्फ, और हम पुराने में पहले का ही ले रहे हैं। यस यस, तो हाँ बिल्कुल सही बताया भाई, ये वन ही रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि हर इंक्रीमेंट फंक्शन खुद का प्रिंट फंक्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब यही सेम प्रॉब्लम रिएक्ट में आती है
जब हम सेट टाइम आउट के अंदर कोई स्टेट एक्सेस करते हैं, बेसिकली होता क्या है, रिएक्ट में भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगता है, हम क्या करते हैं, स्टेट जब अपडेट होती है तो नया फंक्शन क्रिएट होता है, बट जो सेट टाइम आउट के अंदर फंक्शन होता है कॉल बैक, वो पुराने ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, हर इंक्रीमेंट फंक्शन एक नया फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो सही तरीका है इस कोड को लिखने का कुछ ऐसा, const new print fn, और अब अगर मैं इसको कॉल करूंगा तब मुझे सही आउटपुट मिलेगा। तो ये दो क्वेश्चन है थे क्लोजर्स के, जो मतलब मुझे काफी अच्छे लगे और जो स्टेल क्लोजर की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो जब रिकॉर्डिंग दूंगा तो इनकी प्रैक्टिस मतलब देख लेना एक बार कि ये कैसे काम करते हैं। अभी हम जल्दी से करीम देख लेते हैं। तो करीम का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है, एकदम सुपर सिंपल है। लाइक अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ फंक्शन, दैट्स इट, यही है करीम। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन रिटर्न करके दे, उसे हम एक करी फंक्शन बोलते हैं, करीम करना। ठीक है, ये भी ये सिंपली ओवर कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो गया करीम। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है, लाइक अगर थोड़ा सर्च करोगे तो देखोगे कि लाइक वो लोग कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह लिखते हैं जब हम स्कूल कॉलेज में थे। लाइक एक मिनट ये दिखा देता हूँ, करीम इन मैथ। ठीक है, तो ये अपना कुछ अलग ही जो FN वाली चीजें थी वो सब कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो इस एरिया में भी जाके देख लेना अगर और डीपली पढ़ना चाहते हो। बट जावास्क्रिप्ट में भी यही सेम जो ये मैथमेटिकल डिमॉन्स्ट्रेशन या मैथमेटिकल चीज है, सेम यही चीज होती है, अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ फंक्शन इज कॉल्ड करीम। ठीक है, इसको हम बिल्कुल एकदम लाइव एग्जांपल से समझेंगे कि क्यों करते हैं, क्या जरूरी है, और एक मोस्ट पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन, फिर हम क्वेश्चनेयर कर लेंगे और फिर सेशन को क्लोज कर सकते हैं। तो एक सिंपली फंक्शन क्रिएट करता हूं, सम n1 रिटर्न फंक्शन n2। तो देखो अभी तक हम सिंपली जो भी सम फंक्शन हम लिखते थे हम ऐसे करते थे, एक फंक्शन क्रिएट करते थे, उसमें हम आर्गुमेंट डालते थे और रिटर्न कर देते थे रिटर्न n1 प्लस n2। ठीक है, अब तक हम ऐसा करते आए हैं, ये नॉर्मल तरीका है। बट करीम में क्या होता है कि हम फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि एट अ पर्टिकुलर गिवन मोमेंट ऑफ टाइम हमारे पास सारी वैल्यूज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल इस सम फंक्शन को कॉल करने में मेरे पास फॉर एग्जांपल n1 n2 दोनों है। ठीक है, तो मैंने इसे डायरेक्टली कॉल कर लिया। बट ये जो दूसरा सम फंक्शन है इसका लॉजिक ये कहता है कि भाई मेरे पास तो अभी बस n1 ही है। मेरे पास अभी बस n1 है, जो n2 है वो कुछ टाइम बाद आएगा या वो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा, तो जब वो मिलेगा तब तुम अपना एग्जीक्यूशन कर लो। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने सम 8 को कॉल कर लिया, आधा रिजल्ट मेरे पास है इस फर्स्ट हाफ के पास। अब ये रिजल्ट मुझे तब मिलेगा जब मैं इस फर्स्ट हाफ को कॉल करूंगा दूसरे आर्ग्यूमेंट के साथ। ठीक है, 16। तो यहां पे हम करीम कर रहे हैं, एक ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन को रिटर्न करे, वो कॉन्सेप्ट ऑफ करीम है, वो करी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, करीम हो रही है। तो हम करीम सिंपली एक ही रीजन की वजह से यूज करते हैं, मेन रीजन जो ये है, और भी कई सारे यूजेस हैं कि पार्शियल एग्जीक्यूशन। ठीक है,
एट अ गिवन पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम हमारे पास सारी वैल्यूज नहीं होती हैं कि हम किसी चीज को एग्जीक्यूट कर पाए, तो हम क्या करते हैं, आधा चीज एग्जीक्यूट कर लेते हैं और आधा चीज हम बाद में एग्जीक्यूट करते हैं। अब सवाल उठता है क्या ये करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मत करो। बट एक जैसे होता है ना कि लाइक टाइम के साथ नई नई चीजें आती रहती हैं और हमें नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, नए नए आर्किटेक्चर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उसी तरह जैसे करिंग ने भी एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, तो अगर कभी हमें लगता है कि वो अच्छा यहाँ पे मैं करिंग यूज कर सकता हूँ तो मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, इट्स टोटली डेवलपर्स प्रेफरेंस कि वो करिंग यूज करे कि ना करे। अगर मैं ये ना यूज करूं तो मैं नॉर्मल सम फंक्शन से भी ये काम कर सकता हूँ। मैं सिंपली अपना सम फंक्शन क्रिएट करूंगा, ठीक है, और एन वन एन टू है रिटर्न एन वन प्लस एन टू। और अब देखो अब क्या यूज करने में क्या डिफरेंस आएगा दोनों ही सम फंक्शन में, ठीक है? देखो पहले केस में क्या हुआ, हमने फंक्शन दोनों केस में बनाया, ठीक है। जो दूसरा केस था वहां से हमने पार्शियल एग्जीक्यूशन किया, हमने सिंपली क्लोजर का यूज करके एक फंक्शन में पैरामीटर को प्रिजर्व कर लिया। अब लेटर ऑफ टाइम, लेटर मतलब थोड़ी देर बाद, जब मुझे पता चल गया कि दूसरा नंबर भी 8 है, मैंने सिंपली अपने बचे हुए फंक्शन को कॉल कर लिया और रिजल्ट आ गया। अब ये काम मुझे अगर ट्रेडिशनल तरीके से करना होता, सिंपली सम फंक्शन होता, जो पहला नंबर है वो मुझे पता है क्या है, मैं उसको एक वेरिएबल में सेव करा के रखता हूँ और जब दूसरा नंबर मुझे पता चल जाता तो मैं सिंपली अपने सम फंक्शन को कॉल कर लेता। तो दोनों में कोई गलत नहीं है, दोनों ही अपने जगह पे सही है, सेम रिजल्ट दोनों में मिल रहा है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया कहीं पे। मतलब अब अभी इस एग्जाम्पल में लग रहा होगा कि करिंग की जरूरत नहीं है, बट करिंग जब हम रिएक्ट में कोड लिखते हैं वहां पे भी हमें देखेंगे एक एग्जांपल जहां पे करिंग का एग्जांपल एकदम फिट बैठता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि सबको मतलब कोई डाउट है कि करिंग क्या होता है? सिंपली एक ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन रिटर्न करके दे, ठीक है, दैट्स इट। और अगर मैं इस सम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करना चाहूं तो मुझे इसे दो बार कॉल करना पड़ेगा, ऐसे सम 8 और ये 8 ऐसे, क्योंकि पहले कॉल में मुझे एक फंक्शन मिलेगा फिर मुझे उसे दोबारा कॉल करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो अब देखो रिएक्ट में इसका कहां यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज रिएक्ट में ही होता है। मोस्ट ऑफ लोगों ने यूज किया होगा रिएक्ट, राइट, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं। यस, तो अब देखो कई बार हमें ऐसा कोड मिलता है, const, हमारे पास कोई एरे रहता है, ठीक है, और हम क्या करते हैं सिंपली इस एरे का यूज करके एक मैप चलाते हैं, और on click इंप्लीमेंट करते हैं जहां पे हम anonymous फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे फंक्शन हैंडल क्लिक डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा, और यहाँ पे डेटा को कॉल कर लेते हैं e से, मतलब अपना जो भी एलिमेंट है वो हम पास कर देते हैं, ठीक है, ये बटन्स बन गई मेरी, ऐसा ही करते हैं, राइट। तो अब देखो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं हमें
अपना जो रेंडर मेथड है, जो रिटर्न वाला मेथड है, इसे जितना क्लीन रखना है उतना क्लीन रखना है। अब ये जो एरो फंक्शन है ये इस कोड को खराब कर रहे हैं। हमें कभी भी एरो फंक्शन रिटर्न में तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे करिंग का। सिंपली मैं क्या करूं, अभी देखो अगर मैं सिंपली इस हैंडल क्लिक को ऐसे कॉल करता हूं तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि तुरंत कॉल हो जाएगा ये, राइट? सब एग्री कर रहे हैं? यस, ठीक है। बट अगर मैं यहां से ये करूं रिटर्न फंक्शन तो क्या ये कॉल होगा? ये कंसोल वाली लाइन ये नहीं कॉल होगी क्योंकि मैंने यहां से एक फंक्शन रिटर्न कर दिया है। ऐसे समझ लो आधा एग्जीक्यूशन कर दिया, मैंने जो भी डेटा भेजा वो डेटा मैंने क्लोजर के थ्रू इनर फंक्शन में प्रिजर्व करा लिया और ये इनर फंक्शन मैंने पास कर दिया है यहाँ पे। अब जब ऑन क्लिक होगा तभी कंसोल खोल लेते हैं। जब मैं क्लिक करूंगा तभी देखो मेरा कंसोल चल रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट यूज केस है करिंग का कि जो भी क्लिक हैंडलर्स हैं हम वहां पे कभी भी एरो फंक्शन नहीं पास करेंगे, हम हमेशा एक हैंडलर फंक्शन पास करेंगे करिंग का यूज करके। ये यूज केस क्लियर है? बताओ मतलब इसमें कोई कुछ मतलब दिक्कत हो या नहीं समझ आ रहा हूं? एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। बताओ लाइक कुछ तो बोलो गाइस। मजा आ गई है। हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, इवेंट लिस्ट, इवेंट जो लिस्टनर है उसमें हम एक कॉल बैक पास करते हैं। अगर इस तरह कॉल बैक के अंदर एक और फंक्शन हो तो हम उस पर करिंग लगा सकते हैं। यानी अब कॉल बैक के अंदर फंक्शन है उसकी जगह पूरा फंक्शन यानी कॉल कर देंगे जो एक रिटर्न कर देगा और वही जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो इवेंट लिस्ट उसको कॉल कर देगा। तो ये हमेशा प्रैक्टिस में रहना, जब अगर रिएक्ट का कोड लिख रहे हो तो कभी भी एरो फंक्शन मत लिखना, हमेशा हैंडलर फंक्शन बनाना हमेशा। इससे तुम्हारा रिटर्न वाला भी कोड क्लीन रहेगा, दैट्स इट। और अगर तुम्हें जो इवेंट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि अब जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा इनर फंक्शन कॉल होगा ये वाला, तो तुम्हें जो इवेंट ऑब्जेक्ट है वो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो यही करेंगे सिंपली, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं है करेंगे। इसका लाइव एग्जांपल ऐसे समझ लो कि करिंग क्यों यूज करते हैं। जैसे देखो हम मोमोज वगैरह सबने खाए होंगे, ठीक है, मोमोज हो गया, पास्ता हो गया, और हाँ मोमोज पास्ता एकदम फिट सही एग्जांपल है, मैक्रोनी जो होती है। तो अगर हम शॉप में जाते हैं तो शॉप जो भी मोमोज सेल करता है या जो भी पास्ता सेल करता है वो हमेशा मोमोज को प्रिपेयर करके रखता है कच्चे फॉर्म में, ठीक है, और मैक्रोनी को बॉईल करके रखता है। तो ये उसने क्या किया, उसने हाफ प्रोसेस कंप्लीट कर ली। अब जब कोई कस्टमर आएगा तो वो गरम करके दे देगा, मतलब सेकंड हाफ एग्जीक्यूट करेगा। सेम चीज है करिंग में। करिंग का जो बेस्ट यूज केस निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि आधा कोड में पहले एग्जीक्यूट कर लूंगा और आधा कोड में बाद में एग्जीक्यूट कर लूंगा जब मुझे जरूरत होगी। यहाँ पे देखो बटन के क्लिक में मैं वही कर रहा हूँ। आधा कोड फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब अगर मुझे कुछ भी लॉजिक लिखना होता कि भाई मुझे एपीआई से डेटा लाना है, डेटा ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ कैलकुलेट करना है, सारा काम मैं यहाँ कर सकता हूँ क्लिक होने से पहले ही। समझ लो कितना ब्यूटीफुल चीज है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नेटवर्क से डेटा लाना है या कुछ भी करना है तो वो सारा काम मैं यहाँ कर सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग फेच डेटा, जो भी चीजें मुझे चाहिए क्लिक होने से पहले ही मेरे पास आ जाएंगी। जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं सिंपली प्रोसेस कर लूंगा। तो ये एकदम परफेक्ट यूज केस बैठता है करिंग के लिए, ठीक है, कि आधा एग्जीक्यूशन हमने कर लिया, आधा एग्जीक्यूशन हम बाद में करेंगे। एक हम क्विकली ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये समझ लो
सबका फेवरेट क्वेश्चन है और एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा कि हमेशा हमसे इंटरव्यू में अगर कोई करिंग तुमसे पूछेगा तो करिंग पूछेगा क्या होती है, एक एग्जांपल पूछेगा और एक क्वेश्चन पूछेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि एक सम फंक्शन, कोई एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसको मैं ऐसे कॉल कर पाऊं, ठीक है। तो ये सिंपली करिंग ही है, एक सिंपली सम फंक्शन बनाना है जो एक फंक्शन रिटर्न करे और रिटर्न ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इंटरव्यूअर डिफिकल्टी और इंक्रीज करता है, इसको हम कंसोल भी कर लेते हैं, आउटपुट का चेक भी कर लेते हैं। ये 7, अब इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई मैं यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर भेजना चाहता हूँ, ठीक है, और इनका सम करना चाहता हूँ, बट ध्यान रखना कि लास्ट वाला खाली होगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे रिकर्शन के थ्रू, सेम यही कोड, इतना ही कोड लिखना है अपने को। ये जो n1 है ये है 3, n2 है 4, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं आऊंगा, ठीक है, ये जो फंक्शन है सिंपली, अब n1 है n2 है, n1 है 3, n2 है 4, मैं सिंपली यहाँ पे चेक करूंगा इफ n2, अब यहाँ पे हमें कई चीजें चेक करनी पड़ेंगी क्योंकि जीरो भी आ सकता है यहाँ पे, राइट। अगर जीरो आया तो ये केस फेल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे चेक करना है कि अनडिफाइंड तो नहीं है, नॉट इक्वल टू इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड यार सीधे इक्वल टू कर लेते हैं। अगर जो मेरा n2 है वो अनडिफाइंड है, दैट मीन्स कि लास्ट कंडीशन है, ये लास्ट कंडीशन में ही n2 की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। अगर ऐसा होता है तो मैं सिंपली n1 को रिटर्न कर दूंगा, ये जो n1 है, और अगर ऐसा नहीं होता, दैट मीन्स यूजर ने कुछ वैल्यू पास की है, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा सम फंक्शन के रिजल्ट को, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा n1 + n2, और ऐसा करके देखो जब रन किया तो मुझे 16 देखने को मिल गया। चेंज भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूज में दिखता है कि भाई इनफाइनाइट करिंग करके दिखाओ, तो रिकर्शन के थ्रू हम इनफाइनाइट करिंग ऐसे करते हैं। और एक जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं वो देख लेना कि हमको इंटरव्यूअर बोलता है कि एक फंक्शन है सम जिसमें मैं पास कर रहा हूं 1, 2, 3, 4। अब इस फंक्शन को तुम सम ABCDE, ये नॉर्मल फंक्शन है, इतना ही कोड है। तुमको क्या करना है, इस फंक्शन को करिंग फंक्शन में कन्वर्ट करना है सो दैट मैं इस सम फंक्शन को ऐसे कॉल करता हूं, ठीक है। बेसिकली एक रीड फंक्शन बनाना है, करी अगर टाइम होता तो मैं ये इंप्लीमेंट भी कर देता, बट ये तुम लोग ट्राई करना सम, और यहाँ पे तुम्हारा लॉजिक होगा जो भी तुम लिखना चाहो, और इसको मैं ऐसे कॉल करता हूँ, ठीक है। सिंपली तुम्हें एक करीड फंक्शन बनाना है जिसका काम होगा जो भी फंक्शन में पास करूं उसको करी फंक्शन में बदल देना, दैट्स इट। तो ठीक है, लाइक देखो इतनी ही चीजें मतलब थी इन चार थिंग्स में, लाइक फंक्शंस, एरो फंक्शंस। सर एक डाउट था, ये करी फंक्शन में
जो हमने पास किया 1 2 3 4 5, ये बीच के पैरेंथेसिस हम अगर एम्प्टी रखे और फिर बाद में अगर वैल्यू पास करे तो वो भी करी फंक्शन कहलाता है क्या? हाँ, यस यस दैट यस, ये भी करी फंक्शन है। आर्गुमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बस फंक्शन रिटर्न करे एक फंक्शन, वो करी फंक्शन है। ठीक है, तो अगेन देखो एक बार ना इटरेट कर देता हूँ। फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एरो और नॉर्मल फंक्शन। जो एरो फंक्शन होते हैं उनमें दिस आर्ग्यूमेंट्स और न्यू कीवर्ड का डिफरेंस आ जाता है, और जब भी हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं हर फंक्शन का खुद का स्कोप बनता है, खुद का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, और जो होस्टिंग है अपने समझने के लिए, खुद के समझने के लिए मूविंग द डिक्लेरेशन ओनली डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द फंक्शन, और सामने वाले को समझाने के लिए वो पार्सिंग वाली चीज कि भाई पहले पार्सिंग होती है वहीं पे स्कोप स्कोप सेट हो जाता है, और क्लोजर जस्ट अ फंक्शन विद सम प्रिजर्व्ड वैल्यूज जो यूज होता है डेटा एनकैप्सुलेशन और डेटा प्राइवेसी में, और क्लोजर का डिसएडवांटेज स्टेल क्लोजर और करिंग जो हमने देख लिया कि अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ अनदर फंक्शन। सो अब बताओ लाइक कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में मतलब लाइक अब आउट ऑफ द बॉक्स मतलब भी कुछ पूछना है या कुछ डिस्कस करना है तो हम कर सकते हैं। राहुल एक्चुअली अपना डिस्कस किया इसका क्या कहते किसका इनके फंक्शन रिटर्न मतलब ये अपन एक मिनट रुकना अभी एक बार बोल बताऊं